बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कंडक्टिंग द एग्जाम फोकस रिवीजन सेशन ऑन MSA 1, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अश्योरेंस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। द टाइमिंग फॉर टू डेज सेशन आर फ्रॉम 6:30 PM टू 9:30 PM विद नेसेसरी ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स फ्रॉम 8 टू 8:15। दिस session will be connected through Zoom and will be available on ICAP student Facebook page, that is icap.cs students. Students on the Zoom link can ask the answer box, and students on Facebook can ask their questions in comment section. The material being used today will be available through a link in the comment section of this video on our Facebook page. This link will be pinned for easy access by the students. We are lucky enough that we have Sir Jamshed Akhtar with us for this session on MSA. Mr. Jamshed Akhtar is an associate member of ICAP with over 7 years of teaching experience. He has taught various papers, including MSA 1, CFAP 6, and CAF 8 at CAF, CFAP, and MSA level. Currently, he holds the position of Chief Internal Auditor at Foreman Christian College in Lahore. Additionally, he is a certified internal control auditor and an associate public finance accountant. He also serves as a visiting faculty member at one of the ICAP REITs in Lahore. Please welcome Sir Jamshed Akhtar. Over to you, sir. Ji, assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, thank you so much, sir, for your kind words. I will welcome you all to this session of MSA 1. Please, bas ek cheez ensure kar lein, Facebook pe hum live hain. Facebook students, ICAP students jo page hai. Ji sir, ji. Ji, wo abhi mere paas nahi display hua, to jaise hi wo display ho jata hai, to hum start kar lete hain. जरा उसको चेक कर लें। सर आप सेशन स्टार्ट करें, वो उसको अपलोड इंशाल्लाह कर देंगे फेसबुक पे। सर अभी कर उसको। अच्छा, अभी थोड़ी देर में हो जाएंगे हम लाइव। जी जी सर, हो जाएगा। चल ठीक है।
चलें जी, लेट्स स्टार्ट द डे। मैंने बेसिकली एजेंडा डिस्कस करना है, अगर हम विद इन 2 to 3 मिनट्स हो सकते हैं लाइव तो आई कैन वेट, क्योंकि जो लोग फिर फेसबुक पे होंगे वो थोड़ा सा हमारा ट्रैक लूज कर जाएंगे।
जी अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, लेट्स स्टार्ट द डे। जो रिकॉर्डिंग है या लाइव फेसबुक पे फिर हम रिज्यूम कर देंगे ये सेशन। देर इज अ टेक्निकल ग्लिच, तो लेट्स स्टार्ट द डे जी। एमएसए वन एग्जाम फोकस्ड रिवीजन सेशन। एमएसए वन पे सिंगल सेशन होगा हमारा और इंशाल्लाह बाय 9:30 हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस एजेंडा सो दैट वी शुड नो कि आज के टेक अवे। जी एजेंडा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू डेवलप अ फोकस स्टडी प्लान फॉर द रिमेनिंग 3 वीक्स। ठीक है जी, हम देखेंगे कि बिफोर एग्जाम वो कौन से एरियाज हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए, जिनको मैं हाई यील्ड टॉपिक्स कहता हूं। हाई यील्ड टॉपिक्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमारे पास एक एनालिसिस है पास्ट पेपर्स का जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि रिकरिंग आइटम्स कौन से हैं, रिकरिंग टॉपिक्स कौन से हैं रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग में, और इस दफा कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो के इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जो हमारे पास टाइम अवेलेबल है उसमें हमने रिवीजन को कितना टाइम देना है और प्रैक्टिस को कितना टाइम देना है इसकी डिस्कशन होगी, और अपनी प्रोग्रेस को हम कैसे रेगुलरली असेस कर रहे होंगे बाय प्रैक्टिसिंग पास्ट एग्जाम्स दीस 3 वीक्स एंड ऑल्सो अपेयरिंग इन मॉक्स विच आर अवेलेबल विद डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। जी एनालिसिस ऑफ पास्ट पेपर्स हम डिस्कस करेंगे टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव हमारे पास एनालिसिस है, हम उसको डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव टू जी देन वी विल मूव टू फर्दर डिस्कशन जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमने एग्जाम में बैठना है और इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या इफेक्टिव टेक्निक्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमने अपने एग्जाम को अप्रोच करना है और मैक्सिमम उसमें अपनी परफॉर्मेंस इंश्योर करनी है। जी इसके अलावा जी वी विल डिस्कस डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जाम्स क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंट जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें क्या हिडन आइटम्स होते हैं, कौन से हिडन पॉइंट्स हैं, उसमें जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उसका क्या मतलब है, क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन, उसकी लिंकेज विद इन द क्वेश्चन अमंग डिफरेंट अपेंडिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे की पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वाइज, राइट। सो ये हमारा एजेंडा है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमने क्वेश्चंस को ड्राफ्ट कैसे करना है, ड्राफ्टिंग के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है, ड्राफ्टिंग में हमारी क्या लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए, कॉन्टेंट क्या होना चाहिए, ड्राफ्टिंग में राइटिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए, फॉर्मल राइटिंग होनी चाहिए, हमें इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को ड्राफ्ट करना चाहिए, मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को पैरेलल ड्राफ्ट करना चाहिए, ये सारे डिस्कशन जो है वो भी हम अपने एजेंडे में आज के सेशन में देखेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ एमएसए एग्जाम। एमएसए वन इट इज एन इंटीग्रेटेड एग्जाम, राइट। इसमें मेनली टू इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, लेकिन एक थर्ड एरिया भी है जिसमें 5 to 15 मार्क्स की टेस्टिंग होती है। सो टू इंपॉर्टेंट या इन टर्म्स ऑफ वेटेज टू लीडिंग एरियाज जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग एज पर सीफैप 1 सिलेबस और ऑडिट अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज एज पर सीफैप 6 जो लेटेस्ट सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंगली। ऑल्दो एमएसए का आपके पास सिलेबस अवेलेबल है लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। एंड देन वी हैव कंपनी लॉ एंड एथिक्स, तो ये भी 5 to 15 मार्क्स इसमें टेस्ट हो जाते हैं। सो इट्स एन इंटीग्रेटेड एग्जाम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 एरियाज, और इस इंटीग्रेटेड एग्जाम में एग्जामिनर ये कोशिश करता है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं
एमएसए वन एग्जाम के वो इट्सेल्फ इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस हो, राइट, इट्सेल्फ इंटीग्रेटेड हो, उसकी भी हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे जी। तो फर्स्ट जो हमारी यहां पे एक मिसकंसेप्शन है उसको हम अभी रिजॉल्व कर लेते हैं कि वेदर इट इज री एग्जामिनेशन ऑफ सीफेप वन एंड सीफेप सिक्स। आंसर इज नो, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने सीफेप वन भी पास किया है, सीफेप सिक्स भी पास किया है, तो सीफेप वन और सीफेप सिक्स को कंसोलिडेट करके, इंटीग्रेट करके एक नया पेपर बना दिया गया है एमएसए वन, तो कोई इशू नहीं है, हम अपनी वही प्रिपरेशन रिवाइज करेंगे और पेपर में जाके बैठ जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस पेपर की टेस्टिंग मेथोडोलॉजी, इसका एग्जामिनेशन स्टाइल, द स्किल यू शुड हैव बिफोर अपेयरिंग इन दिस एग्जाम, वो एंटायरली डिफरेंट है। कुछ सिमिलर चीजें हैं बट द वे दिस पेपर इज ड्राफ्टेड, द लेवल ऑफ स्किल सेट, द नेचर ऑफ टेक्निकल स्किल्स यू रिक्वायर आर एंटायरली डिफरेंट। सो इसमें आपने एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है वो एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने, एंड दीज कुड बी रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, और इसमें बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज असेस की जा रही होती हैं जिनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस सेशन में कि वो कॉम्पिटेंसीज क्या है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ एमएसए एग्जाम इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वेश्चंस। सो एमएसए एग्जाम में, एमएसए वन में थ्री क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर वन जो है ये इंटीग्रेटेड क्वेश्चन होता है, राइट। इस क्वेश्चन में आपका जो रोल होता है वो ऑडिटर या ऑडिट सीनियर, या इसके अलावा सिमिलर रोल हो सकता है, यू कुड बी पार्टनर, यू कुड बी मैनेजर। तो आपका रोल इस क्वेश्चन में, यानी एग्जामिनर आपको एड्रेस कर रहा होगा और आपका रोल भी उसमें डिफाइन कर रहा होगा। इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड मैटर्स होंगे, उसके बाद ऑडिटिंग से रिलेटेड मैटर्स होंगे, एथिक्स या कंपनीज एक्ट 2017 भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। तो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन में मेनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो कि ट्रेंड है, बट ऑडिटिंग भी इसमें ज्यादा पार्ट हो सकता है, ज्यादा पोर्शन हो सकता है ऑडिटिंग का, बट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की ज्यादा वेटेज होती है, फॉलोड बाय ऑडिटिंग मैटर्स, फॉलोड बाय एथिक्स और कंपनीज एक्ट 2017। इस क्वेश्चन के 50 मार्क्स होते हैं जी। तो दिस वुड बी योर क्वेश्चन नंबर वन इन योर एमएसए वन एग्जाम। उसके बाद एक क्वेश्चन टू होता है जी। नॉर्मली इसमें रिपोर्टिंग से रिलेटेड मैटर्स टेस्ट हो रहे होते हैं और अब आपका रोल चेंज हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपका रोल फाइनेंशियल कंट्रोलर, अकाउंटेंट, मैनेजर अकाउंट, नाउ यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, यू आर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट नाउ एज ए फाइनेंस पर्सन। तो अब आपसे यहां पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज डिस्कस किए जा रहे होंगे बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसमें हो सकता है आपको डायरेक्टर फाइनेंस अप्रोच कर रहा हो, आप अकाउंटेंट हो या फाइनेंशियल कंट्रोलर हो, और डायरेक्टर फाइनेंस आपको कह रहा हो कि जी ये बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई नीड योर इनपुट ऑन दीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स। तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स उस पर आप अपना इनपुट या उस पर डिस्कशन कर रहे होंगे। सो यहां पे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा? प्राइमरी एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स। कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स होंगे जी इस पे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस आपसे पूछी जा रही होंगी और यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन भी आपसे रिक्वायर की जा सकती है जो नॉर्मली सीफेप वन लेवल होती है प्रिपरेशन, बट समटाइम प्रिपरेशन के साथ एक्सप्लेनेशन भी रिक्वायर्ड होती है जो कि एडिशनल मैटर है जो आप सीफेप वन पे देख के आए हैं, राइट। अगर तो एग्जामिनर आपको कह रहा है कि आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दें, राइट, तो आप सीफेप वन की तरह ही वो
ड्राफ्ट कर देंगे, बना देंगे, लेकिन अगर एग्जामिनर इसमें एक्सप्लेनेशन या डिस्कशन का एलिमेंट भी कोई ऐड करता है, देन यू नीड टू डिस्कस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्जाम। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर टू होता है। क्वेश्चन नंबर टू में ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपसे डिस्कस की जा सकती हैं, या मोस्टली ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। एथिकल कंसिडरेशन अगर पूछी जाएंगी तो उसमें आपने केयरफुल रहना है, और पार्ट टू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स यहाँ पे आपने अप्लाई करना। इसके टोटल मार्क्स वेरी करते हैं बिटवीन 20 to 30, इट कुड बी 30 मार्क्स वेरी करेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर टू। जी क्वेश्चन नंबर थ्री में आते हैं। क्वेश्चन थ्री जो होगा आपका एमएससी 1 में, उसमें आपका रोल, अगेन इट्स ऑडिटिंग रिलेटेड क्वेश्चन, और आपका रोल इसमें चेंज हो जाएगा। नाउ यू कुड बी एन ऑडिटर, ऑडिट मैनेजर, ऑडिट पार्टनर, ठीक है, ऑडिट सीनियर, आपका इस तरह का कोई रोल हो सकता है। अब अगेन आप ऑडिट के रोल में वापस आ गए, और इसमें प्रैक्टिकल सिनेरियोज आपसे रिक्वायर किए जा रहे होंगे, उनकी डिस्कशन करवाई जा रही होगी आपसे, एंड दोज प्रैक्टिकल सिनेरियोज विल इंक्लूड कॉम्प्लेक्स जजमेंटल एरियाज। अब यहां पे आपने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंगली बाय यूजिंग द स्किल सेट यू हैव विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग, आप यहां पे अपनी अपनी डिस्कशन या ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे एग्जाम में। दीज क्वेश्चंस कुड रेंज फ्रॉम क्लाइंट एक्सेप्टेंस टू इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। तो आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि जी ये एमएससी लेवल है तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस नहीं पूछी जा सकती, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट शायद ना पूछा जाए, और आपकी सारा फोकस प्रोसीजर्स और रिस्क पे हो, ऐसा नहीं है। क्लाइंट एक्सेप्टेंस भी एग्जामिनर ने टेस्ट की है, इंपैक्ट भी टेस्ट किया है, रिस्क भी टेस्ट किया है, ऑडिट प्रोसीजर्स भी टेस्ट किए हैं, राइट। तो इसमें टेस्टिंग जो है वो किसी भी एवेन्यू में हो सकती है जो ऑडिट के ऑलरेडी आप डिस्कस करके आए। एथिकल कंसीडरेशन सेम पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर ए, उससे रिलेटेड आपसे टेस्टिंग की जा सकती है, और इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स भी हो सकते हैं। तो ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन थ्री है एंड नाउ इट्स एन ऑडिटिंग क्वेश्चन, तो इसमें सब कुछ जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलेटेड मैटर्स हैं वो भी हो सकते हैं। टोटल मार्क्स वुड बी वुड रेंज बिटवीन 20 to 30 अगेन। जी यहां तक कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। आंसर सेशन हम एंड में जरूर करेंगे। चलो नेक्स्ट। जी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपको पता है जी, उस पर काफी डिस्कशन हो चुकी है, आईकैप उस पर सेशन भी करवा रहा है, कुछ आपके पास मॉक्स भी अवेलेबल हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन पे मैं नहीं जाऊंगा, कुछ उसके मेन पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं कि आपके पास जो है वो गाइडलाइंस भी वैसे आईकैप की अवेलेबल है, आपके पास 30 मिनट्स, और आपने इन 30 मिनट्स को एग्जाम प्रैक्टिस में यूज नहीं करना, लेकिन सम हाउ रिलेटेड टू इनएफिशिएंसीज बिल्ट इन योर सिस्टम। तो जब आप सिस्टम पे बैठे होंगे, कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट में एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो उसमें कुछ इनएफिशिएंसीज बिल्ट होंगी, जिसकी वजह से आपको एडिशनल 30 मिनट्स अलाउ किए जा रहे हैं। तो ये 30 मिनट्स आपने अपनी प्रैक्टिस में यूज नहीं करने, ये आपने सिर्फ एग्जाम में जाके यूटिलाइज करने। आपकी प्रैक्टिस में आपका एग्जाम जो है वो 3 hours and 45 minutes का ही होना चाहिए। हार्ड कॉपी ऑफ क्वेश्चन विल बी अवेलेबल विद 2 additional pages फॉर राइटिंग। स्टूडेंट कैन राइट ऑन क्वेश्चन पेपर। हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स आर अलाउड एज पर पॉलिसी, और इसके साथ साथ आपके
आईकैप की वेबसाइट पे प्रैक्टिस टेस्ट भी अवेलेबल हैं। इन प्रैक्टिस टेस्ट को आपने जाके एग्जाम इन्वायरमेंट में परफॉर्म अटेम्प्ट करना है। ऐसे नहीं कि आप एक क्वेश्चन करें और फिर बाद में अपने कन्वीनियंट टाइम पे सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ये नहीं करना। आपने इसको एग्जाम इन्वायरमेंट में वन गो में अटेम्प्ट करना है, ये जो आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है। जी नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन इज कॉम्पिटेंसीज टू बी इवेल्युएटेड। जी वो क्या कॉम्पिटेंसीज हैं जो हमने अचीव करनी है ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 वीक्स, जो कि आईकैप इवेल्युएट कर रहा होगा, और इन कॉम्पिटेंसीज को हमने बिल्ड करना है अपनी प्रैक्टिस के अंदर। अगर हम बिल्ड नहीं करेंगे तो आईकैप में हमें प्रॉब्लम आएगी व्हाइल अटेम्प्टिंग आवर पेपर, राइट? तो फर्स्ट कॉम्पिटेंसी जो आपने बिल्ड करनी है, यू नीड टू फोकस ऑन ब्रेथ रादर देन डेप्थ ऑफ अ मैटर। आपके पास एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर है, आपने उसकी ब्रेथ पे फोकस करना है, डेप्थ पे नहीं करना। सो यू नीड टू कवर ब्रॉडर इश्यूज और एरियाज इंस्टेड ऑफ डेल्विंग डीपली इनटू फ्यू टॉपिक्स और फ्यू पॉइंट्स। सो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डिस्कशन है, हेजिंग की डिस्कशन है, इंपेयरमेंट लॉस की डिस्कशन है, तो ट्राई टू कवर मल्टीपल आइटम्स इन द क्वेश्चन और ब्रेथ में कवर करें, किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके उसी में सारी डिस्कशन ना करते। सो डेप्थ को अवॉइड करना है, ब्रेथ डिस्कस करनी है। अब ब्रेथ की एग्जांपल के लिए मैं आपको विंटर 18 जो है हमारे पास उसकी मार्किंग स्कीम दिखाता हूं जी। जी ये फाइल मैंने शेयर कर दी है जी, बोर्ड फाइल। अब आप इस बोर्ड फाइल में देखें कि ब्रेड्थ की एग्जांपल क्या है जी। ये विंटर 18 की मार्किंग स्कीम है और आप इस मार्किंग स्कीम में मार्क्स की एलोकेशन देखें इन ऑडिट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एरियाज। देखिए जी, की ओवरऑल रिस्क, इसमें रिस्क आइडेंटिफाई करने थे, इसमें एक सिनेरियो था विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन ग्रुप स्ट्रक्चर। अब चेंज इन ग्रुप स्ट्रक्चर में देखें, लैक ऑफ नॉलेज इंक्रीज रिस्क, इसका एक मार्क, एक्सपीरियंस टीम, डिटेल प्लानिंग, अकाउंटिंग फॉर एक्विजिशन, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, फर्स्ट टाइम ऑडिटर, तो ये सारी बातें आप रिस्क में लिखेंगे तो आपको 1 मार्क अगेंस्ट ईच पॉइंट मिलेगा। अगर आपने क्या किया कि इन दोनों को इन डिटेल डिस्कस कर दिया, आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे एंड यू विल लूज दीज 3 मार्क्स। सो यू नीड टू कवर ब्रेथ इंस्टेड ऑफ डेप्थ। एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं, आए जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर देखें। जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर देखें जी, इक्विपमेंट पे 1 मार्क फॉर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, मटेरियल राइट्स कैलकुलेशन के 2 मार्क्स, रिकॉग्निशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 1 मार्क, ठीक है जी। इसी तरह आप कॉस्मेटिक केयर का इसमें एक पॉइंट है जिसकी डिस्कशन है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलेटेड, उसमें देखें जी इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ कंटिंजेंट कंसीडरेशन को आप डिस्कस करेंगे, डिस्काउंटिंग ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन उसका 1 मार्क, रीमेजरमेंट ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन 1 मार्क, इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट एंड इंपेयरमेंट रिव्यू। तो अगेन यू नीड टू डिस्कस दीज 5 एरियाज टू सिक्योर 5 मार्क्स। तो अगर आप इसकी कंप्लीट मार्किंग स्कीम देखेंगे तो आप देखें
कि बहुत कम ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपको 2 मार्क्स, क्वेश्चन 1 की बात कर रहा हूं, 2 मार्क्स अगेंस्ट सिंगल पॉइंट अवेलेबल हो या असाइंड हो। ये देखेंगे, ये कैलकुलेशन के 2 मार्क्स हैं, और इसके साथ ये लाहौर मेडिकल का एनालिटिकल रिव्यू जो है उसकी डिस्कशन के 2 मार्क्स हैं, बाकी सिंगल मार्क्स। सो यू नीड टू कवर मैक्सिमम पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू स्नेरियो। अपनी तरफ से कोई फिट इन नहीं करने पॉइंट्स, स्नेरियो में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली यू नीड टू कवर मैक्सिमम पॉइंट्स। जी, वॉइस इश्यू किसी और को आ रहा जी? सना, आपको वॉइस आ नहीं रही, या कोई लैग है या इशू है? जी प्लीज बाकी पार्टिसिपेंट्स कंफर्म कर दें कि वॉइस ओके। जी चलें जी, वॉइस इज ओके। चलें जी, लेट्स गो बैक टू पावर पॉइंट स्लाइड। विंटर 18 मार्किंग स्कीम हमने देख ली। नेक्स्ट स्किल देखें जी, असिमिलिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। इसमें हमने क्या लर्न करना है? जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, या आपका जो पेपर है वो काफी लेंथी पेपर है। आपने आई एम श्योर MSA 1 का पेपर अभी तक एक तो देख लिया होगा, और इसमें अगर आप लेंथ ऑफ पेपर देखेंगे या इवन लेंथ ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो काफी लेंथी क्वेश्चन होता है विद मल्टीपल अपेंडिक्स। अब उन मल्टीपल अपेंडिक्स में आपकी इंफॉर्मेशन डिस्पर्स्ड होती है, सिंगल आइटम से रिलेटेड, मैटर से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, इट्स एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर, तो उसकी कुछ इंफॉर्मेशन अपेंडिक्स 1 में होगी, कुछ 2 में होगी, कुछ 3 में होगी। तो हमने उसमें क्या लर्न करना है? कनेक्टिंग एंड रेफरिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इन 1 स्ट्रक्चर। आंसर तो एक जगह करना है। लेट्स से रिक्वायरमेंट नंबर ए Roman 1 को आंसर करने के लिए वी नीड टू रेफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम 3 डिफरेंट अपेंडिक्स, राइट? तो इसमें आप क्या कर रहे होंगे? असिमिलिएशन, रेफरिंग या कनेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग इंफॉर्मेशन फॉर अपेंडिक्स 1 एंड 3 टू आंसर रिक्वायरमेंट B2। तो ये स्किल भी आपने लर्न करना है ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस। यहां पे आपको आंसर किसी एक अपेंडिक्स में भी मिल सकता है, बट यू शुड बी कॉशियस कि मुझे मल्टीपल अपेंडिक्स को रेफर करने की जरूरत है या नहीं। जी, ड्राफ्टिंग स्किल, नेक्स्ट स्किल या जो कॉम्पिटेंसी हमारे पास होनी चाहिए, इट शुड बी ड्राफ्टिंग कॉम्पिटेंस, ड्राफ्टिंग स्किल्स। ड्राफ्टिंग स्किल्स में जो हमारा कंटेंट है, इट शुड बी फॉर्मल कंटेंट। हमने फॉर्मल इंग्लिश ड्राफ्ट करनी है, नॉट टू द लेवल ऑफ के जिसे आप कहते हैं कि वो जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऐसी नहीं। मतलब फॉर्मल जो हम नॉर्मली अपनी कह लें कि कॉर्पोरेट या फॉर्मल इंगेजमेंट्स में यूज कर रहे होते हैं, एंड उसको टेलर करना है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, इधर रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग, उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मल ड्राफ्टिंग करनी है। हमारी ड्राफ्टिंग में लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। हमें पता नहीं होता, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर से, बीच में हम ऑडिट के इश्यूज में चले जाते हैं, और फिर हम एथिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, और वहां से होते हुए हम वापस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स पे आ जाते हैं। सो
The information should be well organized in a logical manner. जो रिक्वायरमेंट है, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप मैटर ड्राफ्ट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मैटर जो है उसमें इटसेल्फ एक सीक्वेंस होनी चाहिए, जो मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा। अच्छा, इसके साथ साथ आपने रीजन्ड कंक्लूजन देने हैं एंड यू कैन गिव मल्टीपल कंक्लूजन एज वेल। एमएसए लेवल पे समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें सिंगल कंक्लूजन नहीं आप दे सकते ड्यू टू नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड और द इंफॉर्मेशन मिसिंग और नॉट अवेलेबल, राइट। तो वहां पे आप फिर विद रीजन मल्टीपल कंक्लूजन भी दे रहे होते हैं। जी, नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जी, इसमें हमने अभी तक सीफेप वन में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट सीखी है, उसकी डिस्कशन या एक्सप्लेनेशन नहीं सीखी। तो यहां पे आपने ये स्किल लर्न करना है कि व्हाट एवर फाइनेंशियल ट्रीटमेंट यू आर सजेस्टिंग यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल एडजस्टमेंट, ठीक है जी। उसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। उसके उसमें अगर जर्नल की रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपके पास सेपरेट मार्क्स होंगे उसके। इंप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स, इसकी इंप्लीकेशन, ये जो मैटर है इसकी इंप्लीकेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या है, ऑडिट पे क्या है, इसकी आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी और आप एडवाइज कर रहे होंगे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इन योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स। ऑडिट अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज में आपसे नॉर्मली ऑडिट मैटर्स पूछे जा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, रिस्क असेसमेंट करवाई जा सकती है, ऑडिट प्रोसीजर्स आपसे ड्राफ्ट करवाए जा सकते हैं, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट, अदर अश्योरेंस एंड नॉन अश्योरेंस एरियाज में अपॉइंटमेंट एंड प्रोसीजर्स और रिपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और आपके पास इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का नॉलेज भी होना चाहिए, एक दफा देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आपको पता है उस पर काफी फोकस है। कोड ऑफ एथिक्स में कॉम्प्लेक्स एंड हिडन थ्रेट्स हो सकते हैं। अगर एग्जामिनर ने आपको एथिकल इशू किसी एक अपेंडिक्स में दे दिए हैं, लेट्स से एग्जामिनर ने एक रिक्वायरमेंट ड्राफ्ट की हुई है सी, और उसमें कहा है जी एज पर अपेंडिक्स 5 आप हमें एथिकल इश्यूज बता दें, राइट, तो फिर तो आपकी जिंदगी आसान है। लेकिन अगर एग्जामिनर कह रहा है, उसने एक ओपन रिक्वायरमेंट दी हुई है कि डिस्कस एथिकल इश्यूज एंड सजेस्ट सुटेबल एक्शंस, तो फिर एग्जामिनर ये कह रहा है कि फ्रॉम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ टिल द लास्ट अपेंडिक्स ये मैंने हाइड किए हुए एथिकल मैटर्स, और आपको एथिकल मैटर्स यहां से आइडेंटिफाई करने और उनको जो है वो ड्राफ्ट करना। एक्शंस एग्जामिनर आपसे रिक्वायर करेगा इधर टू एलिमिनेट थ्रेट और एक्शन एज ए सेफगार्ड, जो कि आपके थ्रेट को रिड्यूस कर देंगे। कंपनीज एक्ट 2017 रेलिवेंट पार्ट इवेल्युएशन ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो कॉम्पिटेंसीज टू बी इवेल्युएटेड, कॉम्पिटेंसीज टू बी इवेल्युएटेड में अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो वी कैन डिस्कस। चले जी, इतनी डिफिकल्ट बातें हमने कर ली कि क्या कॉम्पिटेंसीज हमें चाहिए, किन बातों का हमने ख्याल रखना है, ड्राफ्टिंग इज द की स्किल, उसके साथ साथ सीफेप 1 सीफेप 6 की रेपिटेशन नहीं है ये पेपर, इसमें कुछ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स आपको चाहिए, तो हमने काफी थोड़ी सी डिफिकल्ट बातें की हैं। तो जरा हम एक अच्छे न्यूज की तरफ आते हैं, और एक जिसे कहते हैं फ्रेंच में बॉन कॉटे, हम देखते हैं कि इसमें एक अच्छी खबर क्या है, एक
अच्छा न्यूज क्या है हमारे पास, और वो है इसका रिजल्ट का पैटर्न, पासिंग परसेंटेज अटेम्प्ट वाइज। तो अगर आप पासिंग परसेंटेज देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि मैक्सिमम जो पासिंग परसेंटेज है इस पेपर में वो 74% तक गई है समर 22 में, और समर 18 में भी 74% इसका रिजल्ट था। जो मिनिमम या लोअर साइड पे जो इसका रिजल्ट था दैट वाज इन विंटर 18, 41%, और अगर आप लास्ट अटेम्प्ट देखें तो रिजल्ट वाज 56%। तो आपने डिसाइड करना है कि ये पेपर जिसमें ऑन एवरेज 55-60% रिजल्ट आ रहा है, आप इसको किस तरह से पास करेंगे। तो इट्स द बेस्ट टाइम टू पास दिस एग्जाम। इस रिजल्ट की जो कॉन्टिन्यूटी है, जो एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है, इसी में इसको पास करना चाहिए इस पेपर को। जी आ जाएं जी, अब हम देखते हैं पास्ट पेपर एनालिसिस। बैक टू बोर्ड फाइल, और हम देखते हैं कौन से टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंटली टेस्ट हो रहे हैं, और हमारी अटेम्प्ट के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। जी बिल्कुल, ये स्लाइड्स आपको अवेलेबल होंगी। मैं जितना मटेरियल डिस्कस करूंगा वो सब मटेरियल आपको अवेलेबल होगा, जो अभी लिंक यहाँ पे हमने कॉपी की है, और इसके साथ साथ जो फेसबुक स्टूडेंट्स का पेज है उसके अंडर भी वो लिंक जो है वो अवेलेबल होगा फर्स्ट कमेंट में, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। जी मैंने फाइल शेयर कर दी है, पास्ट पेपर एनालिसिस। पास्ट पेपर एनालिसिस में जो पहली बात हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जरा आप उसको देखें। अगर आप इसको यहां से ऑनवर्ड जरा रीड करें और देखें कि कितने टॉपिक्स एक सिंगल एग्जाम में टेस्ट हो रहे हैं, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में, उसके बाद ऑडिट अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, कंपनीज एक्ट, कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल इश्यूज, उसमें आपके पास सब हेडिंग्स भी हैं, कंपनीज एक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स पार्ट टू है, कोड ऑफ एथिक्स पार्ट थ्री एंड फोर है, राइट। तो जरा आप ये देखें कि एक सिंगल एग्जाम में मल्टीपल टॉपिक्स टेस्ट हो रहे हैं, और यहां पे मल्टीपल टॉपिक्स सीफैप वन या सीफैप सिक्स वाला नहीं, उनमें जितने टॉपिक्स टेस्ट होते हैं उसको एटलीस्ट आप 4 या 5 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट। यहां से ऑल द वे डाउन आप देखें कि आपको जो रिवीजन करनी है वो ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है उनकी करनी है। तो सिलेक्टिव स्टडी तो आप यहां नहीं कर सकते कि मैं ये 4 टॉपिक्स कर लूं रिपोर्टिंग में, ये कर लूं ऑडिटिंग में, तो मेरा पेपर पास हो जाएगा या आई वुड बी एबल टू अटेम्प्ट 80% एग्जाम। यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो पहली बात, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, आप स्मार्ट स्टडी जरूर कर सकते हैं, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज जो आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज, बट ट्राई टू कवर एज मेनी एरियाज एज पॉसिबल। जी रिपोर्टिंग में जरा आप देखें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट एरिया है एग्जामिनर के लिए वो ग्रुप अकाउंटिंग है। अब ग्रुप अकाउंटिंग को देखें जी, एक्विजिशन है, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस है, डिस्पोजल एंड फॉरेन सब्सिडी, और उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर आप अटेम्प्ट वाइज देखें तो इन एरियाज जो कि ग्रुप अकाउंटिंग से रिलेटेड है, किसी भी कोई अटेम्प्ट ऐसी नहीं है जिसमें एग्जामिनर ने इन एरियाज को टेस्ट ना किया, एक्सेप्ट दिस अटेम्प्ट, इसमें भी ये लास्ट टेस्ट हो गया, ठीक है, लास्ट वन जो कि प्रिपरेशन ऑफ रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो ये टेस्ट हो गया। तो देखें अब जरा एग्जामिनर का ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश करें। समर 22 में एग्जामिनर टेस्टेड एक्विजिशन, टेस्टेड डिस्पोजल
फॉरेन सब्सिडरी, उससे नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसने एक्विजिशन टेस्ट किया। अब देखें, क्योंकि दो दफा एक्विजिशन टेस्ट हो चुका था, रीसेंट अटेम्प्ट में ही मूव टू डिस्पोजल। अगर आप इसी ट्रेंड को देखें तो ये देखें, यहां पे उसने फॉरेन सब्सिडीज पूछा, यहां पे फॉरेन सब्सिडीज पूछा। इट मींस फॉरेन सब्सिडी इज एन इंपॉर्टेंट एरिया फॉर दिस अटेम्प्ट, राइट? ही कुड ईदर गो बैक टू एक्विजिशन या फिर फॉरेन सब्सिडी। प्रिपरेशन अगर आप देखें तो प्रिपरेशन वो आपसे ऑलमोस्ट दो अटेम्प्ट उसने पूछा आपसे, बट उसके बाद दो अटेम्प्ट ब्लैंक थी, देन टू अटेम्प्ट में फिर कंजेक्टिव प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया, राइट? सो दिस इज अबाउट ग्रुप अकाउंटिंग। ग्रुप अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट एरिया है, आपने एक्विजिशन से लेके डिस्पोजल एंड फॉरेन सब्सिडरी अच्छे से रिवाइज करनी है, और इसमें आपके ऑलमोस्ट, अगर एग्जामिनर इसको इंटायरली स्किप ना कर जाए, तो आपका 15 टू 20 मार्क्स आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? उसके बाद आ जाते हैं जी हम IFRS 2। IFRS 2 देखें जी, फाइव कंजेक्टिव, चले हम ये एक नंबर छोड़ देते हैं, फोर कंजेक्टिव अटेम्प्ट और अब ब्रेक। रीसेंट अटेम्प्ट में IFRS 2 टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले नॉर्मली वो बड़ी मिनिमल सी टेस्टिंग कर रहा था, बट एक्सेप्ट दिस वन टेस्टिंग कर रहा था एग्जामिनर। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी आप IFRS 7 and 8, राइट? काफी टाइम हो गया इनको टेस्ट हुए, ओके? किसी टाइम पे ये आप समझ लें कि इनकी टेस्टिंग जरा ज्यादा हो रही थी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेकिन फिर एग्जामिनर ने थोड़ा सा इसको ब्रेक दे दी। उसके बाद ये IFRS 9 and 32, इसको आपने जरूर प्रिपेयर करना है। देखिए, एग्जामिनर ने यहां पे ब्रेक ली, उसके बाद टेस्ट किया, एंड देन, और इसमें आप हेजिंग भी इंक्लूड कर लें तो आपको शायद ये वाली अटेम्प्ट नजर आएगी जिसमें ये टेस्ट नहीं हुआ, यहां टेस्ट हो गया, फिर ये अटेम्प्ट जो है वहां पे टेस्ट नहीं हुआ। एज पर माय असेसमेंट फॉर दिस अटेम्प्ट, हेजिंग इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू IFRS 9, ठीक है जी, इस अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि हेजिंग के लिए दो ब्लैंक अटेम्प्ट आ गई। उसके बाद देखें जी ज्वाइंट अरेंजमेंट्स, फेयर वैल्यू मेजरमेंट्स, ज्वाइंट अरेंजमेंट्स पे भी क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया, और इसमें भी नॉर्मली एवरी ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। IFRS 15 देखें जी, लास्ट 6 अटेम्प्ट में कोई ऐसी अटेम्प्ट नहीं है जिसमें IFRS 15 ना टेस्ट हुआ। इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स, आप फ्रीक्वेंसी पे फोकस करें। IFRS 16 इक्वली इंपॉर्टेंट, ये देखें, यहां पे ब्लैंक हुआ, यहां टेस्टेड, यहां पे ब्लैंक हुआ। IS 1 2 बहुत पुराने टेस्ट हुए हैं जी। 8 अगेन रिसेंटली टेस्टेड, बट इट वॉज ब्लैंक फ्रॉम फॉर लास्ट 3 अटेम्प्ट बिफोर दिस अटेम्प्ट। IS 10 है जी आपके पास, 12 अगेन इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट, 12 इज इंपॉर्टेंट, लेकिन 12 भी आपका एग्जामिनर ने उस पर क्वेश्चन पूछा है विंटर 22 में, देन ब्लैंक अटेम्प्ट है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो 12 को उसने कुछ ज्यादा फोकस नहीं किया। तो अगर हम पास्ट ट्रेंड देखें, जो कि एक दफा टेस्ट हुआ है इंटायर MSA एग्जाम, ओवरऑल ट्रेंड देखें तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता है कि एग्जामिनर अपना फोकस शिफ्ट कर रहा होता है टुवर्ड्स सर्टेन टॉपिक्स, फिर उनको कुछ रिकरिंग अटेम्प्ट्स में टेस्ट करता है। तो 12 में एक बहुत बड़ा रिस्क होगा अगर आप इसको इंटायरली स्किप करेंगे जी। 16 एन इजी स्टैंडर्ड, ज्यादा उस पर नहीं फोकस उसका। 19 अगेन एन इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, लास्ट टाइम हमारी ये असेसमेंट थी कि 19
स्टैंडर्ड टेस्ट हो सकता है इस अटेम्प्ट के लिए, आगे भी हो सकता है, बट ये कीपिंग इन माइंड के लास्ट टाइम टेस्ट हो गया। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, IS-21 इज इम्पॉर्टेंट, और हो सकता है ये फॉरेन सब्सिडी के साथ टेस्ट हो जाए, हो सकता है सेपरेट टेस्टिंग हो जाए, बट इसके चांसेस काफ़ी हैं। देन वी विल मूव टू IS-34। अच्छा, IS-34 अगर आप देखेंगे, IS-34 शायद एक दफ़ा टेस्ट हुआ है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर एग्जामिनर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिव्यू से रिलेटेड जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन टेस्ट करेगा, ठीक है जी, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन टेस्ट करेगा। और ICAW में एक क्वेश्चन है हमारे पास जो कि टोटली रिव्यू से रिलेटेड है, ऑडिट नहीं है वहां पे, रिव्यू है जो आपका इंटायरम रिव्यू हो रहा होता है जी। 36 फेयरली इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट, 37 एन इजी स्टैंडर्ड, 38 अगेन एन इजी स्टैंडर्ड, लेकिन एग्जामिनर इसको दो तीन अटेम्प्ट के बाद कोई सिनेरियो इसका टेस्ट कर लेता है। IS-40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन फॉर दिस अटेम्प्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये स्टैंडर्ड, ठीक है जी। रेशियो एनालिसिस या रेशियोज की कैलकुलेशन वो किसी भी सिनेरियो में हो सकती है, फॉर एग्जांपल किसी कोविनेंट के केस में हो सकती है, वो आपसे करवा लेता है। APM जो है वो एक दफा टेस्ट हुआ है। देन वी हैव IFRS फॉर SMEs, ये लास्ट टाइम 5 मार्क्स की टेस्टिंग हुई है। अगर हम ऑडिट में जाएं तो ऑडिट में क्वालिटी मैनेजमेंट जो है इस दफा वो आपके कोर्स में है। आई हैव फ्लो चार्ट्स जो कि समराइज फॉर्म में है अबाउट ISQM 1, 2 एंड ISA 220 रिवाइज्ड, मैं वो भी आपसे शेयर करवा दूंगा, उनको आपने एक दफा रीड कर लेना। बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल से क्वालिटी मैनेजमेंट किस तरह से डिफरेंट है एंड व्हाट एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन क्वालिटी मैनेजमेंट दैट नीड्स टू बी रिवाइज, तो उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। देन एक्सेप्टेंस देखें जी, एक्सेप्टेंस के ऊपर भी टेस्टिंग हुई है, टेंडरिंग के ऊपर टेस्टिंग हुई है, ऑडिट रिस्क वेरी इंपॉर्टेंट, कोई अटेम्प्ट नहीं है जिसमें ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन ना हो, ऑडिट रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट, देखिए कंजेक्टिव टेस्टिंग, ब्लैंक टेस्टिंग, देन ब्लैंक, राइट, सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट, वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट, सो दीज थ्री टॉपिक्स आप समझ लें कि ये तीन टेस्ट ना भी हुए तो इंशाल्लाह इनमें से दो तो जरूर टेस्ट होंगे, लेकिन अगेन ये हम डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड, तो इसको कोई गेस वर्क नहीं समझना आपने, स्मार्ट स्टडीज हमने करनी है तो हमने पास्ट ट्रेंड को देखते हुए करनी है। जी, ऑडिट इश्यूज एक्शंस नॉर्मली रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स, देन वी हैव अनकरेक्टेड एरर्स डिस्कशन, ये भी प्रीवियसली टेस्ट हुआ है, डिस्कशन ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स, IS-AE-3400 टेस्ट हुआ है जी Winter 22 में, मैनेजमेंट एक्सपर्ट टेस्ट हुआ है, रिलेटेड पार्टी टेस्ट हुआ है, रिसेंट अटेम्प्ट में 402, 720 और 600, ये तीनों टेस्ट हुआ है। सो अगेन इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स एज पर योर CFAP जो है वो कोर्स, उसको आपने जरूर रिवाइज करना है। देखें उसने रिस्क टेस्ट किया बट जो जो रिकरिंग एरियाज थे उनको स्किप किया और न्यू एरियाज की तरफ आ गया एग्जामिनर। सो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उनकी समरी आपके माइंड में होनी चाहिए, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, नॉट दीज स्टैंडर्ड्स बल्कि जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं एज पर CFAP 6। देन वी हैव द कंपनीज एक्ट, काफी टाइम हुआ हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बहुत कम सिलेबस है। पार्ट टू क्वेश्चन टू में टेस्ट होगा एथिक्स, लास्ट टाइम 2 मार्क्स हुए, उससे पहले देख लें काफी अटेम्प्ट में खामोशी थी, और उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स Part 3 and 4, आपको पता है जी ऑडिट से रिलेटेड, तो आपके या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, तो इसमें देखें जी वैल्यूएशन, पार्टनर रोटेशन, टेम्परेरी स्टाफ, सेकेंडमेंट, वैल्यूएशन आपकी रिपीट भी हुई है, और लास्ट टाइम इसमें
एम्प्लॉयमेंट विद ऑडिट क्लाइंट एंड नो क्लार टेस्ट हुआ है। अच्छा, इसमें आपका पार्टनर रोटेशन दोबारा भी टेस्ट हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नो क्लार लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था स्टूडेंट से, क्योंकि ये न्यू एरियाज हैं। अच्छा, एक और न्यू एरिया है, वो भी टेस्ट हो सकता है, एंड दैट इज रिलेटेड टू इंड्यूसमेंट, उसको भी देख लीजिएगा। इंड्यूसमेंट का जो सेक्शन है, जिसे हम गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी भी कहते हैं, तो इंड्यूसमेंट का जो सेक्शन है वो भी देख लीजिएगा। तो अगर हम नंबर ऑफ टॉपिक्स देखें तो इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि कोई सिंगल टॉपिक अगर आपका वीक है और आप उसको रिवाइज नहीं कर सके तो वो आपको कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं करेगा, राइट? सो यू नीड टू कवर एज मैनी टॉपिक्स एज यू कैन, ताकि आप मैक्सिमम पेपर सॉल्व कर सकें एग्जाम में। जी, ये आपका एनालिसिस था। एनालिसिस के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस। चले जी, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एरिया, स्टडी प्लान। आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए फॉर नेक्स्ट 3 वीक्स? आपके पास कुछ एडिशनल डेज होंगे वो देख लीजिएगा, लेकिन नेक्स्ट 3 वीक्स में आपका स्टडी प्लान जो है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। ग्रुप अकाउंटिंग से जी आपने स्टार्ट करना है, विद स्पेशल फोकस ऑन डिस्पोजल एंड फॉरेन सब्सिडियरी। फॉर दिस अटेम्प्ट इसको आप एक्विजिशन से रिप्लेस कर लीजिएगा, ठीक है? ये लास्ट टाइम मैंने बेसिकली सेशन करवाया था तो उसके लिए मैंने डिस्पोजल लिखा हुआ था, तो वो जो है चेंज अपडेट ये वाला एरिया नहीं, उसका बाकी तो कर दिया मैंने अपडेट, तो आप इसको एक्विजिशन से रिप्लेस कर दीजिएगा। सो एक्विजिशन एंड फॉरेन सब्सिडी, तो लास्ट टाइम हमने डिस्पोजल प्रेडिक्ट किया था तो डिस्पोजल आ गया जी। IFRS 9 अगेन इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, हेज अकाउंटिंग, उसके बाद IFRS 15, 16, 2, 36, 40, 12, 19 एंड 5, इनको आपने रिवाइज करना है। ऑडिट एंड अश्योरेंस में वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, रिस्क, और रिस्क में आपने साइबर रिस्क ICT के हवाले से भी आपने अलर्ट रहना है, विजिलेंट रहना है। आपका एग्जामिनर साइबर रिस्क भी आपसे टेस्ट कर सकता है एज पर CFAP 6, इंपैक्ट ऑन ओपिनियन, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ISA 600, 710, 20 एंड 800 सीरीज, तो ये भी आपने जरूर करनी है। उसके बाद जो आपका Volume 2 है, इसमें 4400 क्योंकि रिवाइज हुआ है, ये सेकेंड अटेम्प्ट है, और 3000 सीरीज तो आपकी इम्पोर्टेंट है। तो इन सीरीज में आपके पास एक्सेप्टेंस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एग्जामिनर आपको एक्सेप्टेंस से रिलेटेड आपसे टेस्टिंग कर सकता है। कोड ऑफ एथिक्स देखें जी, कोड ऑफ एथिक्स जो Part 3 है उसमें आपको बताया जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड नो क्लार, राइट? नो क्लार हैज ऑलरेडी बीन टेस्टेड, इसके साथ आपके पास इंड्यूसमेंट है, ये नोट कर लीजिए, इंड्यूसमेंट है। Part 2 इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 2, जो आपके MSA का क्वेश्चन नंबर 2, Type 2 क्वेश्चन, एंड Part 4 इज सिमिलर टू CFAP 6। तो देखें जी, नो क्लार भी टेस्ट हो गया, लास्ट टाइम ये भी डिस्कस हुआ था कि नो क्लार टेस्ट हो सकता है, तो इंड्यूसमेंट और इसके साथ आपका जो रोटेशन है, पार्टनर की रोटेशन, कूलिंग ऑफ पीरियड, वो भी टेस्ट हो सकता है जी। इसको इग्नोर कीजिएगा, ये 21 ही है।
जी प्रैक्टिस एज पर बिलो सीक्वेंस, क्वेश्चंस की आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है जी? क्वेश्चन 11 टू 15 ऑफ आईकैप वर्कबुक, अगर आप अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 होना चाहिए, 11 टू 15 ऑफ आईकैप वर्कबुक। इसमें आपने ट्यूटोरियल नोट्स को भी कवर करना, रीड करना है केयरफुली एज पर वर्कबुक, और देखना है कि ट्यूटोरियल नोट्स में जो मैसेज है वो आपको समझ आ गया। उसके बाद आपने आईकैप के पास्ट पेपर्स में आ जाना है, और पास्ट पेपर भी आपने इस सीक्वेंस में करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। विंटर 17 से आपने स्टार्ट करना है, 19, देन समर 17, ये आपके पास सीक्वेंस है, एंड सो ऑन। यानी यहां तक सीक्वेंस फॉलो करने के बाद आप फिर किसी भी सीक्वेंस में रिमेनिंग पेपर्स कर सकते हैं। आईसीएडब्ल्यू के पास पेपर्स आपने जुलाई 18, जुलाई 17, देन नवंबर 18, नवंबर, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा एरर होगा, उसके बाद जुलाई 19, इसमें नवंबर एंड जुलाई होगा बेसिकली, एंड देन जुलाई 20, एंड सो ऑन। और उसके बाद आपने मॉक एग्जाम्स में जरूर बैठना है और कंप्लीट मॉक एग्जाम अटेम्प्ट करना है। देन हाउ टू प्रैक्टिस, जब आप रिविजन कर रहे होंगे तो डोंट वेट फॉर इंटायर रिविजन टू बी कंप्लीटेड, आपने पैरेलल प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, ठीक है जी। अब प्रैक्टिस में आप देखेंगे कि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको याद नहीं आ रहे होंगे, जहां तक आप आपकी अभी रिवीजन कंप्लीट नहीं हुई, तो आप प्रैक्टिस के बाद या प्रैक्टिस करते हुए उन टॉपिक्स को भी रिवाइज कर सकते हैं। सो फॉर रिवीजन आई ऑलवेज इनकरेज स्टूडेंट्स टू रिक्रिएट एग्जाम्स कंडीशन ड्यूरिंग प्रैक्टिस। अगर आप रिक्रिएशन ऑफ एग्जाम्स कंडीशन नहीं करते तो फिर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। आजकल क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, हो सकता है आपने कोई मैच भी लगाया हो और साथ में आप क्वेश्चंस भी कर रहे हो, तो उन क्वेश्चंस का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है आपको। यू नीड टू रिक्रिएट एग्जाम्स कंडीशंस, अटेम्प्ट क्वेश्चन इन वन गो, ब्रेक्स ना लें, रेफर योर मटीरियल जो कि आप एग्जाम में भी रेफर कर रहे होंगे, अपनी ड्राफ्टिंग, अपना सिटिंग पोस्चर, अपनी जो टाइपिंग डिवाइस है उसको सेम रखें जो आपने एग्जाम में यूज करनी है, अपना टाइम ट्रैक करें, एक्स्ट्रा टाइम ही अवेल करना, और स्पेशली ये जो 30 मिनट्स हैं इनको तो बिल्कुल यूटिलाइज नहीं करना ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस। उसके बाद आपने आंसर कंपेयर करना है, और मार्किंग स्कीम एंड कमेंट्स को भी रीड करना है, और उसमें सेम वो जो मिस्टेक्स आप कर रहे होंगे उनको नोट डाउन करना है, और कोशिश करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप वो जो मिस्टेक्स हैं उनको ना करें, रिपीट ना करें जी। नेक्स्ट, नेचर ऑफ टेस्टिंग, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जी आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, ऑडिटिंग में, या कोड ऑफ एथिक्स में जी? नेचर ऑफ टेस्टिंग में सबसे पहले है ग्रुप अकाउंटिंग। ग्रुप अकाउंटिंग में एग्जामिनर आपसे क्या टेस्ट कर रहा होता है एमएसए में, चेंजेस इन ओनरशिप, एक्विजिशन, अकाउंटिंग, फॉरेन सब्सिडरीज। स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड टू कमेंट ऑन स्ट्रक्चर वेदर इट इज सब्सिडी और एसोसिएट। क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको बताएगा कि कुछ शेयर होल्डिंग रिड्यूस हुई एक सब्सिडरी में, फिर वो उसके साथ पैरेलल कुछ और इंफॉर्मेशन देगा। वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है कि आपके मेजोरिटी डायरेक्टर्स हो सकते हैं, आपके पास इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में वीटो पावर हो सकती है, आप बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जिस बिजनेस में सब्सिडरी थी आप उस लाइन ऑफ बिजनेस में, ब्रॉडली स्पीकिंग आप स्टिल यू आर इन दैट बिजनेस, या आपका जो क्लाइंट है, तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स सिनेरियो डेवलप करेगा एग्जामिनर, और आपसे पूछेगा कि आफ्टर रिड्यूसिंग शेयर होल्डिंग इन दिस क्लाइंट क्या ये स्टिल सब्सिडरी है। इस तरह क्लियर क्वेश्चन नहीं होगा, रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपसे, तो पूछा जाएगा कि आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज को डिस्कस करना है, तो आपने उसमें डिस्कस ये करना होगा कि क्या ये सब्सिडरी बन गई है, सब्सिडरी ही रही है, वेदर इट इज एन एसोसिएट,
और ये ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट बन गई है, तो उसमें आप डिस्कशन कर रहे होंगे। अब हो सकता है कि इन मल्टीपल मैटर्स की वजह से आप कोई एब्सोल्यूट कंक्लूजन ना दे सके, तो आप फिर रीजंट कंक्लूजन देंगे जो कि मल्टीपल कंक्लूजन हो सकते हैं। आंसर विद एक्सप्लेनेशन जी, रादर यस और नो, नो नीड टू गिव कंक्लूजन, इंस्टेड प्रोवाइड केवियट्स। अगर ये हो जाएगा तो फिर ये कंक्लूजन है, या ये फिर सब्सिडरी बन जाएगी। इफ दिस वुड बी द केस देन ये एसोसिएट बन जाएगी। मार्क्स फॉर डिस्कशन इंस्टेड ऑफ कंक्लूजन, तो एमएसए में आपने ये याद रखना, यहां पर डिस्कशन के मार्क्स हैं रेलिवेंट और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, जो आप डिस्कशन करेंगे उसके मार्क्स। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में देखें जी, क्लासिफिकेशन इश्यूज आपसे एग्जामिनर पूछता है, ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई हो रही होगी, आप उसकी कंडीशंस लिखेंगे कब क्लासिफाई हो सकती है, और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को इवेल्युएट कर रहे होंगे। मेनली इसमें ये टेस्टिंग होती है। एम्प्लॉय बेनिफिट में डिस्टिंक्शन आपने बेनिफिट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान में करनी होती है, चेंज इन प्लान आपसे वो टेस्ट कर सकता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जी हेजिंग है आपके पास, डिस्कशन ऑफ कैश फ्लो और फेयर वैल्यू हेजिंग, फॉरेन लोन्स हो सकते हैं या सेल और फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट्स में आपका ज्यादा एग्जामिनर का जो फोकस होता है वो मॉडिफिकेशन पे होता है, रिवीजन ऑफ, या हो सकता है, ठीक है, इसमें दोनों इंक्लूडेड है, जो टेस्टिंग हो चुकी है या जो टेस्टिंग हो सकती है वो दोनों इसमें बिल्ट है। रिवीजन ऑफ वर्क परफॉर्म बाय जूनियर इन दिस एरिया इंस्टेड ऑफ बेसिक डिस्कशन, यानी जूनियर ने कोई काम किया होगा, आप जूनियर जो चीजें स्किप कर रहा होगा उस पे आप डिस्कशन कर रहे होंगे। रेवेन्यू में देखें जी, फोकस ऑन रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, बंडलिंग एंड सेपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की टेस्टिंग होती है नॉर्मली इसमें। लीज में देखें जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीज विद इन कॉन्ट्रैक्ट, सेल एंड लीज बैक की ट्रांजेक्शन टेस्ट हो सकती है। इसके बाद ये ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस एरियाज में अगर आप देखें तो ऑडिट रिस्क है थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, तो एग्जामिनर आपसे रिस्क असेसमेंट करवा सकता है। फोकस ऑन मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट बाइसनेस, एस्टिमेट्स, रिलेटेड पार्टीज, सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस, कोविनेंट बिफोर एंड आफ्टर एडजस्टमेंट, तो रिस्क असेसमेंट के टाइम पे आपने इन बातों का ख्याल रखना है। ये कोविनेंट वाली बात देखें, कोविनेंट वाली बात यह है कि जो भी कोविनेंट क्वेश्चन में होगा, जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे बिफोर एडजस्टमेंट्स तो वो मीट हो रहा होगा, लेकिन जब आप एडजस्टमेंट सजेस्ट करेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो कोविनेंट ब्रीच हो रहा होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का रिस्क होता है, यानी मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऐसे मैनेज किया कि कॉविनेंट्स मीट हो गए। वो कॉविनेंट्स बैंक के हो सकते हैं, कॉविनेंट्स आपके जो है वो पेरेंट कंपनी की तरफ से हो सकते हैं, कोई भी कॉविनेंट्स हो सकते हैं, नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कॉविनेंट्स होते हैं जी। क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस इसकी टेस्टिंग हो सकती है, सब्सिडी वर्सेस ज्वाइंट ऑपरेशन वर्सेस एसोसिएट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ की एरियाज, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, हेजिंग, फेयर वैल्यू, एक्विजिशन, इंपेयरमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ लेवल ऑफ फेयर वैल्यू मेथड्स, राइट, इनकी टेस्टिंग भी हो सकती है जी। ये नेचर ऑफ टेस्टिंग पे अगर किसी का क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस, अदरवाइज हम जाते हैं कि हमने अपना पेपर सॉल्व कैसे करना है, इसको डिस्कस करते हैं। जी, एक्सपर्ट स्ट्रेटजीज टू एस पेपर सॉल्विंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। टाइम अलाउड है जी आपके पास 4 आवर्स फॉर ड्राफ्टिंग, 15 मिनट्स फॉर रीडिंग। यू शुड ऑलवेज स्टार्ट योर पेपर विद क्वेश्चन 1, किसी ने भी क्वेश्चन 2 या 3 को स्टार्ट नहीं करना,
क्वेश्चन वन 50% ऑफ एग्जाम है, और ऑलवेज इसलिए मैंने कहा है कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं पेपर्स की, पास्ट पेपर्स की, तो क्वेश्चन वन से ही स्टार्ट करना है। आपने अपना मॉक भी क्वेश्चन वन से स्टार्ट करना है। फुल लेंथ पेपर्स आप जितने करेंगे आपने क्वेश्चन वन से स्टार्ट करना है। सो इट्स 50% ऑफ योर एग्जाम। अगर आप क्वेश्चन वन में पास हैं तो फिर 90% चांसेस हैं कि आप पेपर में भी पास हो जाएंगे, और अगर आप क्वेश्चन वन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो फिर आप कंफर्टेबली क्वेश्चन टू और थ्री में से रिमेनिंग मार्क्स लेके 50% मार्क्स अचीव कर लेंगे और पास हो जाएंगे। रीडिंग टाइम में डू नॉट रीड इंटायर पेपर, इंस्टेड रीड एंड प्लान क्वेश्चन नंबर वन। आप एक दफा देख लीजिएगा पेपर को, वैसे तो 18-19 पेजेस का पेपर होगा, उसको वन बाय वन देखने में भी 2-3 मिनट्स लग जाते हैं। चले आप अगर इतना देखना चाहते हैं देख लें, रिकमेंड मैं नहीं करता। आप क्वेश्चन वन पे बैठे, आपके लिए नेक्स्ट 2 आवर्स क्वेश्चन वन ही है। आपने क्वेश्चन वन पे फोकस रखना है, स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर वन, और सिर्फ रीडिंग नहीं, रीड एंड प्लान। प्लानिंग कैसे करनी है ये अभी हम डिस्कस करेंगे जी। डिवाइड ड्राफ्टिंग टाइम 4 आवर्स ऑन टोटल मार्क्स, आपके पास 2.4 मिनट्स पर मार्क्स अवेलेबल है। सो फर्स्ट 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स आपने क्वेश्चन वन पे ही रहना, राइट। रीडिंग टाइम मिला के 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स, और इसमें आप 25 to 30 मिनट्स जो है वो स्पेंड करेंगे प्लानिंग एंड असिमिलिएशन पे। यानी जब आप रीड कर रहे होंगे तो आप प्लान कर रहे होंगे कि मैंने इसको सॉल्व कैसे करना है, इस पेपर को सॉल्व कैसे करना है। असिमिलिएट करेंगे, लिंक करेंगे डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट अपेंडिक्स, राइट। तो ये काम आप कर रहे होंगे 25 to 30 मिनट्स, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन 2 और 3 कैन बी अटेम्प्टेड एज पर इंडिविजुअल प्रेफरेंस। आपकी अपनी प्रेफरेंस होगी, क्वेश्चन 2 और 3 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उसके बाद। ये था आपका ओवरऑल पेपर को अप्रोच कैसे आपने करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन वाइज, हम देखते हैं कि क्वेश्चन वन में कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। जब हम प्लानिंग कर रहे होंगे तो हम उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे फोकस करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन वन जो है उसके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स में क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जहां पे हमारे पास नॉर्मली बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको बताता है कि जी आप कौन है, क्लाइंट क्या है, फर्म कौन सी है, ठीक है, ये सारी बातें एग्जामिनर जो है वो कर रहा होता है। तो क्वेश्चन वन के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसपे आप, जिसको आपने हाईलाइट करना है, और उसका आपकी ड्राफ्टिंग से एक, ड्राफ्टिंग के साथ एक क्लोज लिंकेज है, वो आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है ये टाइप ऑफ एंगेजमेंट क्या है। नॉर्मली ऑडिट आपसे टेस्ट हो रहे हैं जी, ऑडिट एंगेजमेंट्स होती हैं, बट रिव्यू कैन बी टेस्टेड। आपका रोल क्या है क्वेश्चन वन में, आप ऑडिट सीनियर हैं, ऑडिट मैनेजर हैं, पार्टनर हैं, कौन है, ऑडिटर है। ऑडिटर नॉर्मली यूज नहीं करेगा, आपको कोई ना कोई वो अकॉर्डिंग टू नॉर्मली जो प्रैक्टिकली टाइटल्स होते हैं उसमें कोई वो आपको टाइटल दे रहा होगा। न्यूली अपॉइंटेड इन एनी रोल ऑफ ऑडिटर, इस तरह की टर्म को भी आपने हाईलाइट करना है। हो सकता है आप न्यूली अपॉइंटेड हो सकता है आपका सुपरवाइजर, मैनेजर या पार्टनर न्यूली अपॉइंटेड हो, तो उसमें आपको पता है उसकी लिंकेज बनती है इश्यू विद नॉलेज अबाउट क्लाइंट एंड सम वर्क परफॉर्म बाय प्रीवियस मैनेजर और पार्टनर, या अगर आप मैनेजर हैं न्यूली अपॉइंटेड तो प्रीवियस मैनेजर ने कुछ काम किया होगा, राइट। तो इसको आपने फोकस करना है। नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या है जी, क्या आप पेरेंट ग्रुप का ऑडिट कर रहे हैं, आप सब्सिडरी का ऑडिट कर रहे हैं, यानी सब्सिडरी के ऑडिट में आप कंपोनेंट ऑडिटर हैं, तो ग्रुप ऑडिटर के साथ आपकी इंटरेक्शन के मैटर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो यू शुड बी अवेयर कि आपकी नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या है, केयरफुल अबाउट द चेंज इन नेचर। अब नेचर आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है कि कुछ
आगे जाके एग्जामिनर उस आपकी नेचर ऑफ एंगेजमेंट ही चेंज कर दे, तो वो कहेगा जी जिस कंपनी में आप थे वो इट हैज बिन टेकन ओवर, ठीक है जी, तो आपकी अनदर कंपनी इफ इट हैज टेकन ओवर योर क्लाइंट, तो नेचर ऑफ एंगेजमेंट चेंज होगी। फर्स्ट टाइम एक्विजिशन आपके क्लाइंट ने फर्स्ट टाइम एक्वायर कर लिया, एंड एंगेजमेंट कन्वर्टेड टू ग्रुप ऑडिट, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है आपके पास। नेचर ऑफ क्लाइंट क्या है जी, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लिस्टेड अनलिस्टेड गोइंग फॉर लिस्टेड। गोइंग फॉर लिस्टेड में आप फिर से अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस आ जाता है, और उन लॉज एंड रेगुलेशंस या क्राइटेरियाज की कंप्लायंस के लिए फिर मैनेजमेंट रिग्रेसली जो है वो मैनिपुलेट कर सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को थ्रू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। हु इज कंपोनेंट ऑडिटर, अगर आप ग्रुप ऑडिटर हैं तो फिर आप देखेंगे कि क्या कंपोनेंट ऑडिटर आप हैं या डिफरेंट कंपनी है, वो डिफरेंट फर्म है, सॉरी कंपनी नहीं फर्म, डिफरेंट फर्म है। डिफरेंट होगी तो मोर रिस्की, अगर आपकी ही फर्म है तो फिर लेस रिस्की, लेकिन उसमें भी कुछ कंसीडरेशन होती है। उसमें बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि आप ब्लाइंडली कंपोनेंट ऑडिटर पे रिलाई करते हैं। लेट से कंपोनेंट जो है वो कराची है, हेड ऑफिस लाहौर है, तो आपका अगर नेटवर्क फर्म वहां पे कराची में सर्विसेज दे रही है ऑडिट की, तो आप उस पर ब्लाइंडली रिलाई नहीं करेंगे। बीइंग ग्रुप ऑडिटर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रुप, और आप कुछ स्टेप्स जो है वो जरूर परफॉर्म करते हैं जी। नेक्स्ट देखें जी, आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, स्टेज ऑफ ऑडिट क्या है, प्लानिंग, परफॉर्मेंस और फाइनलाइजेशन, कोई भी स्टेज हो सकती है, और एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्टेज आपकी जो ड्राफ्ट कर रहे होंगे आंसर, आप उसको वैसे ही ट्यून अप कर देंगे, आप अपनी वर्डिंग वैसे ही यूज करेंगे, राइट। तो प्लानिंग फेज पे हैं, परफॉर्मेंस फेज पे हैं या फाइनलाइजेशन फेज पे हैं, ईयर एंड क्या है, और अगर आप सब्सिडरी हैं कंपोनेंट का ऑडिट कर रहे हैं तो कंपेयर विद पेरेंट और सब्सिडरी, अगर आप ग्रुप ऑडिट में हैं तो कंपेयर करें सब्सिडरीज के ईयर एंड सेम है, नहीं है तो देखें कि क्या उससे रिलेटेड आपसे किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर में उसको आप लिंक करके डिस्कस कर सकते हैं। अपेंडिक्स देखें कितने क्वेश्चन में, स्पेशली लिंकेज एसिमिलेशन नीड अमंग दोज अपेंडिक्स, देखें सेपरेट अपेंडिक्स कितने जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जैसे लास्ट अपेंडिक्स होता है जी क्वेश्चन वन में एक सेल एंड बैक लीज बैक, सेल एंड लीज बैक की ट्रांजेक्शन है वो अपेंडिक्स नंबर 5 में है, गाइड करें जी ऑडिट पार्टनर को कि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ठीक है या नहीं, या इसी तरह एक एथिकल कंसर्न्स का अपेंडिक्स जो है वो लास्ट अपेंडिक्स है, उसमें सिर्फ एथिक्स के मैटर्स आपने देखने हैं। तो इस तरह के जो अपेंडिक्स हैं उनके अलावा बाकी अपेंडिक्स की लिंकेज देख लें जी। देयर माइट बी हिडन थ्रेड्स विच नॉर्मली इंक्लूडेड एज सेपरेट अपेंडिक्स, थ्रेड्स के हवाले से देख लें, अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया था अगर एग्जामिनर ने कोई सेपरेट आपको अपेंडिक्स दे दिया तो वो सेपरेट अपेंडिक्स और उसमें आप एथिकल मैटर्स को इवेल्युएट कर लेंगे, अदरवाइज अगर कोई सेपरेट अपेंडिक्स नहीं है फिर फ्रॉम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ टिल लास्ट अपेंडिक्स आपको केयरफुली देखना होगा कि कहां पे एथिकल कंसिडरेशंस ट्रिगर हो रही है। केयरफुल अबाउट हिडन रिक्वायरमेंट्स विच कैरीज वेटेज, ठीक है, केयरफुल रहना जी आपने। अब हिडन रिक्वायरमेंट्स की मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि हिडन रिक्वायरमेंट्स कैसे हो सकती हैं जी। जी हिडन रिक्वायरमेंट्स के लिए बोर्ड फाइल पे जाते हैं,
जी फाइल चेंज होगी जी, आएंगे बोर्ड फाइल पे, हिडन रिक्वायरमेंट्स। फॉर हिडन रिक्वायरमेंट्स लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस इज एन आईसीएडब्ल्यू क्वेश्चन, आईकैब में भी हिडन रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। मैं ये क्वेश्चन रीड कर देता हूं। अभी तक जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपको ओपनिंग पैराग्राफ्स में या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना है, नोट करना है, वो भी हम देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे पास। जी, अर्थ स्टोर पीएलसी इज अ लिस्टेड कंपनी, इसका टाइप ऑफ बिजनेस आ गया। यू आर न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाईलाइट करें। वर्किंग फॉर द ऑडिटर ऑफ अर्थ स्टोर, योर फर्म करंटली अंडरटेक द ऑडिट ऑफ अर्थ स्टोर फॉर द ईयर एंडिंग। जी, ईयर एंडिंग आपके पास आ गया। यू हैव रिप्लेस्ड न्यूली अपॉइंटेड, ठीक है जी, ग्रेग ट्रॉय हैं जो ऑडिट सीनियर थे, हु हैज रिसेंटली बीन रीअसाइंड टू अनदर क्लाइंट। सो रिप्लेस या रिसेंटली ज्वाइंड, वो इंफॉर्मेशन आ गई। यू रिपोर्ट टू टॉम चैंग द ऑडिट मैनेजर। टॉम चैंग ने जी आपको क्या कहा, आई हैव प्रोवाइडेड यू ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपेंडिक्स वन में क्या है, आपके पास ये अपेंडिक्स होंगे, अपेंडिक्स टू में क्या है एंड अपेंडिक्स थ्री में क्या है, आपके पास अपेंडिक्स थ्री फोर फाइव यहां तक हो सकते हैं। अब यहां पे देखें जी, आपके पास आईकेप के क्वेश्चन में भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, ऐसे वन टू थ्री वहां पे एबीसी होंगी। अब इन रिक्वायरमेंट से ऊपर ये पैराग्राफ पढ़ें जी, प्लानिंग मटेरियलिटी इज 2.4 मिलियन विच रिप्रेजेंट 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वी एग्रीड विद द ऑडिट कमेटी दैट वी विल रिपोर्ट टू देम ईच मिसस्टेटमेंट अबव 120,000 आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है, ये हिडन रिक्वायरमेंट है। और इसकी वेटेज होती है, इसके मार्क्स होते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में कोई इस तरह की बात लिखी हुई है और वो रिक्वायरमेंट्स कवर नहीं कर रहे, तो ये हिडन रिक्वायरमेंट है। हम यहां पे क्या कमिट कर रहे हैं कि ऑडिट कमेटी को हम वो एरर्स भी बताएंगे जो 120,000 से ज्यादा होंगे, एक्सीडिंग 120,000। तो इट मींस जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स को डिस्कस कर रहे होंगे, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स को डिस्कस करते हुए आप क्या करेंगे, अगर एरर 120,000 से ज्यादा होगा जो आप एडजस्टमेंट सजेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आप बताएंगे कि वी विल ऑल्सो इन्फॉर्म अबाउट दिस एरर और मिसस्टेटमेंट टू ऑडिट कमेटी, इसके मार्क्स होंगे। ठीक है जी, ये आपकी हिडन रिक्वायरमेंट की एग्जाम्पल है। लेट्स गो बैक टू जी पावर पॉइंट पे आ गए हम। नेक्स्ट पॉइंट देखें जी, इफ प्लानिंग मटेरियलिटी इज प्रोवाइडेड, जैसे इस क्वेश्चन में भी थी, सी वेदर इट नीड्स टू बी कंपेयर्ड विद एरर्स, इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन बोर्ड लेटर। देखिए, जब भी आपको मटेरियलिटी प्रोवाइडेड हो, पहले तो आपने उसको देख लेना है कि मटेरियलिटी की कैलकुलेशन ठीक है अगर आपके पास प्रॉफिट भी है, राइट, तो इट शुड बी फाइव, अराउंड 5%। उसके बाद आपने देखना है कि कहीं कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपसे इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट करवाई जा रही हो, या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मटेरियलिटी से लेस अमाउंट के जो एरर्स हैं, दीज शुड बी रिपोर्टेड इन बोर्ड लेटर। जैसे अभी हमने इसकी एग्जाम्पल भी देखी जी, पार्टली क्वालिफाइड अकाउंटेंट, अगेन इश्यू विथ स्किल्स, ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट होती है जी। उसके बाद आपके पास की टर्म्स होंगी जी, अंडरस्टैंडिंग। अब हम आगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद रिक्वायरमेंट्स पे, रिक्वायरमेंट्स में आपकी कुछ की टर्म्स होती हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वेश्चन। अब ये की टर्म्स क्या होती हैं, जैसे एक्सप्लेन है, इवैल्यूएट है, लिस्ट, स्टेट, मेंशन, आउटलाइन। अब एक्सप्लेन का क्या मतलब होता है जी, मोर डिटेल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। इवैल्यूएशन, असेसमेंट
इज रिक्वायर्ड, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. आप इवेल्युएशन करते हैं, आप बताते हैं कि जी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर है उसकी फॉर एग्जांपल करंट सिचुएशन ये है, मैनेजमेंट ने यहां तक ठीक ट्रीटमेंट की हुई है, ओवर एंड अबव मैनेजमेंट को ये ट्रीटमेंट करनी चाहिए. तो आपने स्ट्रेंथ भी बता दी, वीकनेस भी बता दी, एरर्स भी बता दिया, एडजस्टमेंट भी जो है वो सजेस्ट कर दी. लिस्ट, स्टेट, मेंशन, आउटलाइन, ये नॉर्मली रिस्क और प्रोसीजर्स के साथ इस तरह की टर्म यूज होती है. और इसका मतलब होता है कि आपने सिंगल सेंटेंस में लिखना है. इट शुड बी अ कंप्लीट सेंटेंस, बट इट शुड बी अ सिंगल सेंटेंस. कंप्लीट सेंटेंस का क्या मतलब है ये मैं आपको जाके आगे बताऊंगा. इसके साथ हम देखते हैं जी एग्जाम वोकैबुलरी. एक डॉक्यूमेंट है, ये भी हमारे पास बोर्ड फाइल पे है. मुझे बोर्ड फाइल शेयर करने दें जी. जी ये ICAW का डॉक्यूमेंट है, बट इट इज इक्वली रेलेवेंट टू ICAP एग्जाम्स. और इसमें डिफरेंट टर्म्स की एक्सप्लेनेशन है. जो ICAW का कंपेरेबल पेपर है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, ये उसके लिए ये डॉक्यूमेंट है. इस डॉक्यूमेंट पे आपने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना, बट ये जो हाईलाइटेड टर्म्स हैं इनको आपने एक दफा रीड कर लेना है. यानी आप इसमें मेन पॉइंट देखेंगे नॉलेज, और इसमें देखेंगे जी डिफाइन का क्या मतलब है. अगर आपका एग्जामिनर कहे डिफाइन समथिंग, तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हाट दिस एक्चुअली मींस इन एग्जाम, दिस इज इंपॉर्टेंट जी. डेफिनेशन में भी यूजफुल इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन सिमिलर टेक्निकल आइडियाज और फ्रेज. और एग्जाम्पल देखें जी. उसके बाद आइडेंटिफाई अगर एग्जामिनर यूज करे, तो आइडेंटिफाई का एग्जाम एनवायरमेंट में क्या मतलब है, राइट. लिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, लिस्ट रिक्वायर्स मॉनिटरिंग, मेंशनिंग ऑल रेलेवेंट आइटम्स इन अ रेलेवेंट कैटेगरी, लिस्ट द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, लिस्ट द ऑडिट प्रोसीजर्स, उसकी एग्जाम्पल है जी. आउटलाइन ऑलमोस्ट सिमिलर सर्कमस्टांसेस में ICAP एग्जाम में यूज होता है. सेट आउट भी सिमिलर सर्कमस्टांसेस में यूज होता है. उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन में आ जाएंगे. कॉम्प्रीहेंशन में जी डिस्क्राइब, जब आप लिख रहे होंगे, टू सेट आउट द की फीचर्स और डिटेल्स ऑफ अ प्रोसीजर, प्रोसेस, प्रपोजल, एक्शन और अदर मैटर्स. डिस्क्राइब हाउ वुड यू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स. ये मैंने जो हाईलाइट किए हैं ये हमसे रेलिवेंट है, तो ये सिर्फ आपने रीड करने. मैं ये अनोटेड फाइल जो है ये भी अपलोड कर दूंगा जी. डिस्कस, डिस्कस भी यूज होता है. डिस्कस द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल एंड सजेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. एक्सप्लेन, ये तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज होता है जी. मेक एन आइडिया ऑफ सिचुएशन क्लियर बाय डिस्क्राइबिंग इट्स नेचर, कॉज एंड मीनिंग और पर्पस जी. प्रोवाइडिंग मोर डिटेल्स और रिवीलिंग रेलिवेंट फैक्ट्स to given reason to justify an action or event. Explain the calculation, explain tax implication, explain differences between convertible loan stock and loan stock. Ya aap kehte explain financial reporting issues. Ji next application, calculation dekhen ji, aap se calculation bhi karwai jayegi. And after calculation, determine. डिटरमिन को देखें जी. जी डिटरमिन, मेक क्लियर और योर रीजनिंग, मेक क्लियर योर रीजनिंग विद एविडेंस कैलकुलेशन. ठीक है, डिटरमिन इफ द फर्म एबल टू पुट अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स. तो यहां पे फिर आप विद सेफगार्ड्स जो है बताएंगे, इवेल्युएट करेंगे पहले थ्रेट्स, देन विद सेफगार्ड्स आप बताएंगे, एनालिसिस देंगे अपना, डिस्कस करेंगे कि क्या फर्म सेफगार्ड प्लेस कर भी सकती है नहीं. सिर्फ सेफगार्ड मेंशन नहीं करेंगे. प्रिपेयर, आपसे कोई रिपोर्ट प्रिपेयर की जा करवाई जा सकती है, नोट्स प्रिपेयर करवाए जा सकते हैं जी. इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट, एडवाइस, एडवाइस रिक्वायर मोर देन जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ अ फाइनल रिकमेंडेशन, रिकमेंडेड डिस्कशन. इट ऑल्सो रिक्वायर सपोर्टिंग रीजनिंग
and evidence as to why that advice has been given. Advise the client on the appropriate marketing strategy, advise on capital, tax consequences, yeah, advise the appropriate financial reporting treatment. ठीक है, explain या evaluate financial reporting matter and advise appropriate financial reporting treatment. तो advise फिर है वो आपकी reasoned conclusion या reasoned argument के साथ आप उसको advise कर रहे होते हैं कि इस वजह से मैं advise कर रहा हूं कि ये financial reporting treatment होनी चाहिए. Definitely backend पे आपका relevant financial reporting standard होता है. जी evaluation, evaluation of ethical matters. Evaluation need to be supported by evidence, analysis and arguments. जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसमें weaknesses और strength दोनों discuss कर रहे होते हैं. Justification में किस चीज को justify करना, provide reason, analysis or evidence to support an opinion or decision. Recommendations, recommend आपको पता है जी self-explanatory है. तो इनको I would suggest एक दफा आपने read जरूर करना है, लेकिन जब आप practice कर रहे होंगे MSA से related questions, तो you would be able to comprehend or analyze these terms according to given scenarios. ठीक है, वो आप बड़ी आसानी से फिर उसको grasp कर लेंगे multiple question जब आप उसको देख रहे होंगे. जी एग्जाम वोकैबुलरी के बाद देखें जी, आपने क्रिएट करनी होगी रिक्वायरमेंट्स की समरी. क्वेश्चन नंबर वन की आपने समरी क्रिएट करनी, समरी बनानी है. रीजन क्या है, समरी कैसे होती है वो अभी हम डिस्कस करते हैं. रीजन क्या है जी, रीजन ये होती है कि मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड करता है एग्जामिनर इन सिंगल स्टेटमेंट. जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि रिक्वायरमेंट नंबर ए है, बट वो रिक्वायरमेंट नंबर ए जो है उसमें हो सकता है थ्री सब रिक्वायरमेंट्स हो. तो आपने मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए समरी बनानी है. अभी हम समरी बनाएंगे भी सही और लर्न करेंगे कि हमने समरी कैसे क्रिएट करनी, और ये इंपॉर्टेंट है फॉर कंप्लीटनेस ऑफ योर आंसर. राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंप्लीट योर आंसर. अगर आप उसमें कोई इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट मिस कर जाते हैं इन दैट सेंटेंस, तो फिर आपका आंसर भी कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है जी, सो बिफोर गोइंग टू द समरी ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स हैव अ 10 मिनट्स ब्रेक जैसे हमारी अनाउंस हुई थी, और फिर हम 10 मिनट्स के बाद जो है वापस आते हैं. तो सी यू आफ्टर 10 मिनट्स.
चलें जी, लेट्स स्टार्ट। जी, हम बात कर रहे थे समरी और इसकी इम्पोर्टेंस की। आए जी, समरी क्रिएट करने से पहले हम जरा एक क्वेश्चन देखते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स को रीड करते हैं। जी, हम बोर्ड फाइल पे आएंगे। जी, ये विंटर 17 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए इसको रीड करते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देखते हैं और फिर हम इसकी रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं। इसी तरह हम ग्रेजुअली फिर और एरियाज पे जाएंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट में हमें किन बातों का ख्याल रखना है, ऑडिटिंग इश्यूज में क्या देखना है, एथिकल इश्यूज में क्या देखना है। तो इस तरह हम पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। जी, क्वेश्चन 1, यू आर एन ऑडिट सीनियर, आपका रोल आ गया जी, एंड वर्क्स फॉर हुसैन एंड कंपनी, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। यू रिसीव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम शमाला अहमद, द न्यूली अपॉइंटेड ऑडिट मैनेजर ऑफ बेस्ट फूड कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2017। थैंक यू फॉर एग्रीइंग टू हेल्प आउट ऑन द ऑडिट ऑफ BFC. द प्रीवियस ऑडिट मैनेजर हैज बीन अनवेल एंड आई हैव टेकन ओवर एंड द ऑडिट सीनियर इज नाउ ऑन स्टडी लीव। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिट मैनेजर भी न्यूली अपॉइंटेड है, आप भी न्यूली अपॉइंटेड है। आई नो दैट यू हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ BFC, सो आई हैव प्रोवाइडेड सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। अपेंडिक्स 1, I have also provided you with summaries of board minutes that were prepared by a previous audit manager as part of audit planning process, and more detailed financial information that has been based on discussion the finance director. So, appendix 1, 2, and 3 तक आपको पता चल गया कि इनमें क्या information available है. Finally, I have provided the summary of procedures performed in certain areas by outgoing audit सीनियर शाहिद चौधरी। जो आपसे पहले ऑडिट सीनियर था वो शाहिद चौधरी था, उसने कुछ एग्जीक्यूशन भी परफॉर्म कर ली हुई है। तो इट मीन स्टेज ऑफ ऑडिट जो है वो एग्जीक्यूशन स्टेज है। प्लानिंग मटीरियलिटी आपके पास अवेलेबल है 30 मिलियन। आप इसको, अगर आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो आप उसके साथ इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद देखें जी, आपके पास रिक्वायरमेंट्स देखें, देयर आर टू मेन रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट नंबर ए को उसने 3 रिक्वायरमेंट्स में स्प्लिट किया हुआ है, 1, 2 एंड 3। अब जरूरी नहीं कि ये Roman 1 जो है ये एक सिंगल रिक्वायरमेंट हो, इसमें मल्टीपल सब रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, बट आपका जो आंसर होगा वो A1 ही होगा। उसमें आप सब हेडिंग्स यूज कर सकते हैं, राइट, अगर जरूरत पड़े। ठीक है, इसी तरह आपके आंसर की जो मेन या जिन हेडिंग वाइज आप आंसर कर रहे होंगे वो इस तरह होगा, जैसे आपके CB एग्जाम में आपके पास ये इस तरह से डिफरेंट उसके पोर्टल में टैब्स बने होंगे, राइट। तो लेकिन टू इंश्योर कंप्लीटनेस आपने ये देखना है कि इस स्टेटमेंट में मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो मैं रीड कर देता हूं। इन एडवांस ऑफ माई मीटिंग विद क्लाइंट नेक्स्ट वीक, आई वुड लाइक टू रिव्यू ऑल ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयर ब्रीफिंग नोट्स ऑन माई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑन एनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग इश्यूज फॉर ईच इश्यू यू शुड। तो इस ऑल इंपॉर्टेंट है, उसने आपको कहीं नहीं कहा एग्जामिनर ने कि आपने किसी स्पेसिफिक अपेंडिक्स में आंसर करना है। आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, ठीक है, राइट। चले, अगर मैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट रीड करूं, उसमें देखें जी, एक्सप्लेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज। इसको मैं कह देता हूं जी सब रिक्वायरमेंट 1,
वेयर रेलिवेंट प्रिपेयर कैलकुलेशन, मुझे कैलकुलेशन भी प्रिपेयर करनी है फॉर एनी एडिशनल एडजस्टमेंट दैट यू आइडेंटिफाई फ्रॉम योर रिव्यू. सो इन इन माई ओपिनियन A1 जो है उसमें टू सब रिक्वायरमेंट्स है. इवेल्युएट टेस्टिंग परफॉर्म बाय शाहिद चौधरी, पहले उसकी इवेल्युएशन करनी है. देखिए कीवर्ड्स एक्सप्लेन प्रिपेयर, अभी मैं आपको बता के आया हूं, इवेल्युएट एक्सप्लेन लिस्ट प्रिपेयर, ठीक है जी, ओके ये कीवर्ड्स है. अच्छा अब देखिए जी, इवेल्युएट टेस्टिंग परफॉर्म बाय शाहिद चौधरी, अगेन दिस इज वन, एंड एक्सप्लेन एनी आउटस्टैंडिंग ऑडिट इश्यू, दिस इज टू. सो वन और टू में भी, टू में भी टू सब रिक्वायरमेंट्स है. थ्री में आ जाए जी, लिस्ट एडिशनल की ऑडिट प्रोसीजर्स. वर्ड की इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब मैं ऑडिट प्रोसीजर्स की डिस्कशन करूंगा तो फिर मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि हाउ टू अचीव की ऑडिट प्रोसीजर्स इंस्टेड ऑफ ड्राफ्टिंग सिंपल और जनरल ऑडिट प्रोसीजर. दैट शुड बी परफॉर्म बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट इज साइंड. तो यहां पर एक ही रिक्वायरमेंट है. ओके अगर आप बी में आ जाए तो बी में देखिए जी, ब्रीफिंग नोट दैट आउटलाइंस द प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड ऑडिट दैट बीएफसी विल नीड टू कंप्लाई विद एज पार्ट ऑफ देयर लिस्टिंग. इट मीन्स कंपनी इज ऑल्सो गोइंग टू लिस्टिंग, जो कि हमें आगे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी. लेकिन हम बी पार्ट में भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्लाइंट लिस्टिंग की तरफ जा रहा है. और लिस्टिंग को आपने क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट से कैसे लिंक करना है, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था. द नोट ऑल्सो शुड ऑल्सो इंक्लूड एनी अप्रोप्रिएट एनी अपॉर्चुनिटीज फॉर अस टू प्रोवाइड एडिशनल सर्विसेज. अगेन टू रिक्वायरमेंट्स, वन ये है जी, एक तो आपने लिस्टिंग के हवाले से एडिशनल रिक्वायरमेंट्स बतानी है, और फिर ये बताना है कि हम यहां पे अपनी नॉन नॉन ऑडिट सर्विसेज कैसे फिट इन कर सकते हैं. अगर आप सिर्फ लिस्टिंग के हवाले से बात कर जाएंगे तो फिर आप नॉन ऑडिट सर्विसेज के हवाले से जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको मिस कर जाएंगे. सी में आ जाए जी, सी देखें जी, द क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर हैज ऑल्सो आस्क फॉर डिटेल्स ऑफ एनी इश्यूज टू डू विद आवर ऑडिट ऑफ बीएफसी. Prepare a briefing note which explains keyword any professional and ethical issues for the firm arising from the audit of clients. So you need to differentiate between professional and ethical issues. तो आपको पता है professional issues are more related to the required technical expertise for that particular engagement. तो अगर कहीं अनक्वालिफाइड की बात आ रही है, रिसेंटली अपॉइंटेड की बात आ रही है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की बात आ रही है, एरर्स आ रहे हैं ऑडिटर्स की तरफ से, ऑडिटर्स ओवरलुक कर रहे हैं, या ऑडिटर की टेस्टिंग इनसफिशिएंट है, तो ये प्रोफेशनल इशू भी बन सकता है. तो यहां पे देखिए एक रिक्वायरमेंट आपकी ये है जी. उसके बाद आप आए जी, एक्सप्लेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन ऑफ प्रपोज ट्रांजेक्शन आउटलाइन इन अपेंडिक्स नंबर 5 That I can prepare a response to email. तो email का जवाब email में होना चाहिए, right? तो यहाँ पे आपने financial reporting issue को explain करना है. यहाँ आप सिर्फ appendix 5 तक रहेंगे. But till this requirement, C आपने 1 to 4 and background information सारी information को use करते हुए answer करना है. Specially for this part, ethics. ठीक. अब ये देखिए मैंने रिक्वायरमेंट्स बना ली, रिक्वायरमेंट्स रीड कर ली. जब आप कोई 8 to 10 क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट्स को इस तरह से समराइज करेंगे, उनकी समरी बनाएंगे, तो फिर हो सकता है आपको एग्जाम में लिख के समरी बनाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो लिख के जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी प्रैक्टिस होगी इसकी. आप देखेंगे तो आपके माइंड में समरी बन रही होगी, आपकी माइंड समरी क्रिएट कर रहा होगा, लेकिन आपने कुछ क्वेश्चंस की समरी जो है वो क्रिएट करनी है. अब देखें जी, इसकी समरी हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं जी. रिक्वायरमेंट्स में आप आ जाए जी, समरी ऑफ विंटर क्वेश्चन 1 रिक्वायरमेंट्स, ये देखें जी. सो वी नीड ब्रीफिंग नोट, फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. रोमन 1 में 2 सब पॉइंट्स, रोमन 2 2 सब पॉइंट्स, रोमन 3 सिंगल पॉइंट, लेकिन उसमें हमने ये मेंशन कर दिया बिफोर साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट.
जी ए, उसके बाद आ जाए जी बी। बी में अगेन ब्रीफिंग नोट इज रिक्वायर्ड, आउटलाइन प्रोविजन ऑफ सीसीजी एज पार्ट ऑफ लिस्टिंग, अपॉर्चुनिटी फॉर एडिशनल सर्विसेज। सो ये टू सब एरियाज थे जिनको आपने टच करना है। उसके बाद ये ब्रीफिंग नोट एक्सप्लेन प्रोफेशनल एंड एथिकल इश्यूज, और डी है एक्सप्लेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज इन अपेंडिक्स 5। तो फॉर एग्जाम्पल अपेंडिक्स 5 में जो इश्यू है, जब आप प्लानिंग कर रहे होंगे तो फिर आप अपनी प्लानिंग करते हुए यहां से मेंशन, यहां मेंशन करेंगे कि फॉर अपेंडिक्स 1 मैटर नंबर 1 आपने क्या डिस्कस करना है, 1 मैटर नंबर 2, मैटर नंबर 3, मैटर नंबर 4 या पॉइंट नंबर 5। यानी कौन से एरियाज हैं जिनको आप टच करेंगे टू इंश्योर दैट देयर इज अ ब्रेथ इन योर डिस्कशन रादर डेप्थ। तो आप मल्टीपल एरियाज को टच कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डेलविंग डीपली इन एनी सिंगल एरिया। तो आप यहां तक अपनी ऑन 20 to 25 या 25 to 30 मिनट्स में प्लानिंग कर सकते हैं। उस प्लानिंग का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बस आपने 25 मिनट्स लगाने और ऑन पेपर या इन योर माइंड आपने कुछ कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया आंसर का, फिर तो वो वेस्ट हो गए, राइट? तो स्ट्रक्चर बनाना है आंसर का कि आप लिखने क्या जा रहे हैं, ताकि रिमेनिंग टाइम में फिर आपको स्ट्रक्चर या कंटेंट पे एफर्ट करने की जरूरत ना पड़े। कंटेंट इज देयर, स्ट्रक्चर इज देयर, बस आपने अब उसको सीक्वेंस देनी है, राइट? एक और क्वेश्चन देखते हैं जी। जी बोर्ड फाइल पे आते हैं वापस। थोड़ी सी डिफिकल्ट रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। आए जी इस क्वेश्चन का हम इंट्रोडक्टरी पैरा देखते हैं और उसके बाद हम इसका इसकी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं जी। ये आईसीडब्ल्यू का क्वेश्चन है जी। कॉन्ग्लोमा पीएलसी इज अ लिस्टेड कंपनी एंड इट इज अ पेरेंट ऑफ ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लोकेटेड अक्रॉस यूके। तो ये आपका ग्रुप ऑडिट है और ये पेरेंट कंपनी है मल्टीपल कंपनीज की, हैज जी। उसके बाद है जी, योर फर्म हैज ऑडिटेड कंग्लोमा एंड इट्स सब्सिडरीज फॉर 3 ईयर्स। इट मीन्स के आप ही इसके पूरे ग्रुप के ऑडिटर हैं। यू आर असाइंड टू द ग्रुप ऑडिट ऑफ कंग्लोमा फॉर द ईयर एंडेड। योर मैनेजर हैरीमर हैज आस्क फॉर योर हेल्प टू फाइनलाइज ऑडिट प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट। अदर ऑडिट टीम्स फ्रॉम योर फर्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडिविजुअल ऑडिट ऑफ कंग्लोमा सब्सिडरीज। तो कंपोनेंट ऑडिटर भी आप हैं। यू मेट विद हैरी हु गिव्स यू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। आई हैव प्रोवाइडेड सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो कि एग्जिबिट 1 में होगा। कंग्लोमा फाइनेंस डायरेक्टर जैस गोइंग हैज आस्क A&M फर्म का नाम है टू असिस्ट हर इन डिटर्मिनिंग हाउ अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन शुड बी ट्रीटेड इन कंग्लोमा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st अगस्त। शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दीज ट्रांजेक्शन ऑन कंग्लोमा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, राइट? तो देखें, अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि ये रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, क्या यही रिक्वायरमेंट्स नीचे रिक्वायर्ड या रिक्वायरमेंट का जो एरिया वहां पे है या नहीं है, ठीक है? अगर वहां नहीं है तो ये कहीं ना कहीं आपको डिस्कस करनी पड़ सकती है, लेकिन मोस्टली वहां पे होंगी। हिडन रिक्वायरमेंट्स की नेचर थोड़ी डिफरेंट होगी। सेकेंडली देखिए, इवेल्युएशन भी करनी है और इम्पैक्ट भी वो आपसे रिक्वायर कर रहा है। आई हैव फॉरवर्डेड हर ईमेल टू यू एग्जिबिट नंबर 2 में टुगेदर विद एन अटैचमेंट कंप्राइजिंग ब्रीफिंग नोट्स फ्रॉम कंग्लोमा कॉर्पोरेट फाइनेंस टीम विच प्रोवाइड सम फर्दर डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन जो कि एग्जिबिट 3 में है। द ब्रीफिंग नोट्स वर प्रेजेंटेड एट कंग्लोमा बोर्ड मीटिंग इन 2024 बिफोर द सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस वर कंप्लीटेड। जैज हैज अश्योर्ड मी दैट नन ऑफ द डिटेल्स चेंज व्हेन डिटेल्स वर फाइनलाइज्ड, सो वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर ऑडिट प्लानिंग पर्पस। तो आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई। अब जरा आप इसकी रिक्वायरमेंट्स को देखें, रीड करें जी एक दफा रिक्वायरमेंट्स रीड करें और अपने माइंड में इसकी समरी बनाने की कोशिश करें, या फिर आप
ऑन पेपर भी इसकी समरी क्रिएट कर सकते हैं। स्क्रीन चेंज नहीं हुई जी? हाँ चले, जब पहले बता देते तो मैं, चले अब चेंज हो गई, ये मैं रीड कर रहा था जी, इसको देख लें, ये जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर रहा था वो मैं यहां से रीड कर रहा था, इनको जरा एक दफा देख लें। जी आई जी, रिक्वायरमेंट्स को रीड करें एंड ट्राई टू प्रिपेयर अ ब्रीफ समरी, अपने माइंड में बना लें, लिख के बना लें, आपके पास 2 मिनट्स हैं, आप इसको जरा देखें। और इस तरह की अगर कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स एग्जाम में आए तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, जरा एक दफा रीड कर लें इसको, फिर मैं आपको इसकी समरी दिखाता हूँ। जी देखें जी इसको, आई वुड लाइक यू टू ड्राफ्ट अ रिस्पॉन्स टू जैज ईमेल एग्जिबिट 2 में जो है एंड इट्स अटैचमेंट एग्जिबिट 3। तो यहां पे क्या है जी, स्किल ऑफ एसिमिलिएशन रेफरिंग एंड लिंकेज, योर रिस्पॉन्स शुड सेट आउट एंड एक्सप्लेन for each of the transactions she identifies the current year ending 31st August 2024, recommend and include appropriate adjustments and calculations, calculate consolidated profit, मैं समरी नहीं डिस्कस कर रहा, सिर्फ रीड कर रहा हूं, आप अपने माइंड में सोचते जाएं कि क्या समरी होनी चाहिए, कैलकुलेट एंड कैलकुलेट द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31st August 2024, टेकिंग इन टू अकाउंट द एडजस्टमेंट यू हैव आइडेंटिफाइड एंड, अब ये देखें जी, कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट, सेट आउट इन वर्किंग पेपर द एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स दैट विल नीड टू परफॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन जैज हैज आइडेंटिफाइड, इंक्लूड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द इम्पैक्ट दैट द ट्रांजेक्शन विल हैव ऑन द स्कोप ऑफ आवर ऑडिट प्रोसीजर्स एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स दैट वी कंसीडर टू बी सिग्निफिकेंट, द एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स दैट यू आइडेंटिफाई शुड इंक्लूड दोज वी विल परफॉर्म बोथ एट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट सब्सिडरीज एंड हेड ऑफिस, दीज प्रोसीजर शुड ओनली बी दोज ऑफ रेलिवेंस टू आवर ओपिनियन ऑन द कंग्लोमा कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st August 2024,
At this stage, I am not interested in procedures we will need to perform in order to sign an audit opinion on each individual group company. Right? तो देखिए कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स एज कंपेयर टू विंटर 17 क्वेश्चन, तो हम जरा अब इसकी देख लेते हैं कि समरी जो है अगर हम क्रिएट कर रहे होते एग्जाम एनवायरमेंट में तो इसकी समरी किस तरह से होनी। देखिए एग्जैक्ट वर्ड आप कॉपी पेस्ट ना करें, आप अपनी समरी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, आपको जैसे इंपॉर्टेंट लगे जैसे बेहतर लगे। तो जो मेरी तरफ से गाइडेंस है वो ये है कि आप इस तरह से समरी क्रिएट कर सकते हैं। जी समरी देखें जी, जी ईमेल पार्ट ए में ईमेल रिक्वायर्ड है, उसमें वन सेट आउट एंड एक्सप्लेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकमेंड एडजस्टमेंट्स एंड कैलकुलेशन। सो रिक्वायरमेंट नंबर वन हैज टू सब रिक्वायरमेंट्स A1, उसके बाद A2 देखें जी, कैलकुलेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स, इजी टू स्क्योर, दीज मार्क्स आर इजी टू स्क्योर एंड इन माय ओपिनियन इस तरह की रिक्वायरमेंट में 100% आपके मार्क्स आते हैं। ठीक है जी, कैसे आते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे जी। उसके बाद देखें जी वर्किंग पेपर बी रिक्वायरमेंट में, अब इसकी समरी देखें, वो टेक्स्ट जरा याद करें कितना टू पैराग्राफ्स थे और उसकी समरी देखें, हमने सिर्फ यहीं पे क्रिएट की हुई है कि एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन अबव ट्रांजैक्शंस, इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस देना है, ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट एंड हेड ऑफिस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, यानी उन ट्रांजैक्शन की वजह से जो ट्रांजैक्शंस हमने आइडेंटिफाई की हैं ड्यू टू दोज ट्रांजैक्शन ऑडिट प्रोसीजर्स पे क्या इंपैक्ट आया, स्कोप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट पे क्या इंपैक्ट आया, राइट? तो इस तरह से आपने समरी क्रिएट कर लेनी है जी। वी आर स्टिल ऑन क्वेश्चन वन, हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर ली, रिक्वायरमेंट्स पे आ गए, अब यहां से ऑनवर्ड आगे चलते हैं जी। फॉलो द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, जब आप आंसर ड्राफ्ट कर रहे होंगे तो आपसे ब्रीफिंग नोट, ईमेल, वर्किंग पेपर, मेन्यू, मेमो जो भी रिक्वायर किया जा रहा है थोड़ा सा उसका फॉर्मेट आपने ड्राफ्ट कर लेना है। जैसे लेट से अगर आप ईमेल किसी को कर रहे हैं, ईमेल फॉर्म में आंसर कर रहे हैं, तो आप लिख देंगे टू फ्रॉम सब्जेक्ट, ठीक है, डेयर ऑडिट मैनेजर, डेयर पार्टनर, डेयर हैरीमर, डेयर शाहिद चौधरी, जो भी उसका नाम होगा आप उसको लिख के फिर नीचे सारे एज इट इज आपके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आप हेडिंग यूज कर सकते हैं, आप सब हेडिंग्स यूज कर सकते हैं जी। नेक्स्ट, केयरफुल अबाउट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड फॉर आंसर, आपकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में से कहां से आएगी। लेट से अगर रिक्वायरमेंट है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज आइडेंटिफाई करें तो इट मीन्स यू नीड टू रेफर ऑल अपेंडिसेस, लेकिन अगर लिखा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज डिस्कस्ड इन अपेंडिक्स 5 तो फिर उसकी इंफॉर्मेशन आपके अपेंडिक्स 5 में ही अवेलेबल होगी, जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा, राइट? प्रिपेयर रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये मैं अभी जो आपको कह रहा था कि 100% इसमें मार्क्स आते हैं, होते कम है, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 मार्क्स हो सकते हैं, बट दीज मार्क्स आर इजी टू ग्रैब, ये एरिया आपने कभी स्किप नहीं करना, ठीक है? आपके पास एसओसीआई प्रोवाइडेड है, ये अनएडजस्टेड है, उसके बाद आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज आइडेंटिफाई करते हुए आपने एडजस्टमेंट्स कैलकुलेट की होंगी, सजेस्ट की होंगी, और उसके बाद 19 एडजस्टमेंट को एसओसीआई में उसका इंपैक्ट देते हुए रेलेवेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन में आप एसओसीआई एडजस्टेड बना देंगे। इसका इस तरह ही फॉर्मेट होता है। अब यहां पे ड्यूअल पिनलाइजेशन नहीं होगी, अगर आपकी ये वाली एडजस्टमेंट इनएक्यूरेट थी तो एग्जामिनर आपको यहां पे पिनलाइज नहीं करेगा अगर आपने उसको सही प्लेस किया, ठीक है? लेट्स से एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी
कि रेवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए था, आपकी आपने जो इन एक्यूरेट एडजस्टमेंट सजेस्ट किया उसमें रेवेन्यू डिक्रीज किया आपने, आपने ये सजेस्ट किया है कि रिवर्स होना चाहिए रेवेन्यू, राइट। अब आपने वही रिवर्सल या रिडक्शन इन रेवेन्यू यहां पे शो करवा दी एसओसीआई में, तो आपको उसके मार्क्स एग्जामिनर देगा। तो यहां पे आपकी फर्दर या ड्यूअल पिनलाइजेशन नहीं होगी अगर आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स में कोई एरर किया। तो यू कैन सिक्योर 100% मार्क्स इन दिस एरिया। अनदर इंपॉर्टेंट एरिया इज लेंथ ऑफ आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। किस क्वेश्चन में किस मैटर में कितना लिखना है। अभी मैंने आपको मार्किंग स्कीम दिखाई, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज से 4 है वहां पे, तो एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज के असाइंड मार्क्स 3 होंगे, दूसरे के हो सकता है 7 हो। तो हम ये कैसे इवेल्युएट करें क्वेश्चन को रीड करते हुए कि कौन सा मैटर जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसमें हमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है, उसमें ब्रेथ कवरेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर मैटर, क्योंकि हमारे पास मार्किंग स्कीम तो नहीं है, हमारे पास तो क्वेश्चन पेपर है। तो इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको आप देखें जी। लेंथ कंटेंट ऑफ आंसर इन केस ऑफ मल्टीपल सब रिक्वायरमेंट्स और मल्टीपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज। फर्स्ट पॉइंट है इसमें टेक्निकलिटी ऑफ द इश्यू, वो इश्यू कितना टेक्निकल है, एग्जामिनर ने उसको कितना कॉम्प्लेक्स बनाया होगा, ठीक है। जितना कॉम्प्लेक्स या टेक्निकल इश्यू होगा उतना ही उसके असाइंड मार्क्स भी ज्यादा होंगे। तो जो आपके नॉर्मल एरियाज हैं रिपोर्टिंग के विच आर मोर टेक्निकल एज कंपेयर टू अदर एरियाज, उनके मार्क्स नॉर्मली ज्यादा होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू दीज टू कंडीशंस एज वेल। सेकंड कंडीशन, मैटर्स इंक्लूडेड, उसमें कितनी डिस्कशन की है एग्जामिनर ने, या ऑल्टरनेटिवली आपके लिए रूम फॉर डिस्कशन कितना क्रिएट किया है। अगर तो उसमें मैटर एक ही डिस्कस्ड है और रूम फॉर डिस्कशन नहीं है तो उसके मार्क्स कम होंगे। बट इफ देयर इज अ मोर रूम फॉर डिस्कशन, क्योंकि एग्जामिनर ने ज्यादा मैटर्स उसमें इंक्लूड किए हैं, तो उसके मार्क्स भी ज्यादा होंगे। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ कैलकुलेशन कितनी इन्वॉल्व है, क्या आपने एक सिंगल लाइनर कैलकुलेशन में ही उसका आंसर निकाल लिया, या आपको कोई IS-19 की तरह टेबल बनाना पड़ गया, राइट, या कोई लीज का टेबल बनाना पड़ गया। तो एक्सटेंट ऑफ कैलकुलेशन जो है उसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इन लेंथ ऑफ आंसर। तो लेंथ ऑफ आंसर कितनी होनी चाहिए, उसमें क्या कॉन्टेंट होना चाहिए, उसमें मिनिमम ये 3 फैक्टर्स जो है ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन इन लास्ट 3 वीक्स, एज मैनी क्वेश्चन एज यू कैन, आप इसमें भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। जब आप खुद से, लेट्स से अगर आप कोई Type 1 क्वेश्चन 20 भी करते हैं, डेली एक Type 1 क्वेश्चन करते हैं कल से ऑनवर्ड्स, तो 20 क्वेश्चंस में यू वुड बी कवरिंग एटलीस्ट 80 to 90 या मोर देन 100 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज। तो फिर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इस तरह के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू के नॉर्मली इतने मार्क्स होते हैं जी। उसके बाद आपने एक और बात का ख्याल रखना, दैट इज अवेलेबल वर्सेस मैक्सिमम एलोकेटेड मार्क्स। जब मैं ब्रेथ की बात कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एक क्वेश्चन या एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू को सिलेक्ट करना और बस उसी में ही फिर उसके सारे एरियाज को डिस्कस कर देना, नहीं। आपने एक और बात का भी ख्याल रखना कि इसमें अवेलेबल मार्क्स कितने हैं इस पार्ट में, एंड मैक्सिमम या एलोकेटेड मार्क्स कितने हैं। यानी अवेलेबल क्या है कि कितने ही डिस्कशन की जा सकती है, और एलोकेटेड क्या है कि इसमें 10 मार्क्स की डिस्कशन तो की जा सकती है बट मार्क्स एलोकेटेड 8 है, राइट। तो वहां पे भी आपको एक बैलेंस स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी थ्रू योर प्रैक्टिस, कि आप ये ना हो कि अवेलेबल रूम फॉर डिस्कशन या हेड रूम ज्यादा अवेलेबल हो, एलोकेटेड मार्क्स उस एरिया के कम हो,
और आप ज्यादा टाइम वहां पे वेस्ट करें। मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होती। एग्जाम्पल देखें, समर 18 की मार्किंग स्कीम मैं आपको दिखाता हूँ जी। हम वापस आएंगे बोर्ड फाइल पे। जी, समर 18 मार्किंग प्लान। जी, क्वेश्चन नंबर, वन वन में देखें जी, अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेड आपको एग्जामिनर डिस्कस करवाना चाह रहा है। इन्वेस्टमेंट इन खान लिमिटेड, दीज मैटर्स, वेबसाइट दीज मैटर्स एंड लीज दीज मैटर्स। और ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए वो कह रहा है जी 0.5 मार्क्स पर वैलिड ऑडिट प्रोसीजर्स। सो टू अवेल 6 मार्क्स यू नीड टू ड्राफ्ट 12 ऑडिट प्रोसीजर्स, जो कि की ऑडिट प्रोसीजर्स एंड करेक्ट ऑडिट प्रोसीजर्स हो। ठीक है जी, ये हम ए में है सर, ए पार्ट। इस क्वेश्चन का बी पार्ट देखें, फायर के मैटर में 10 मार्क्स क्योर करने के लिए यू नीड दिस मैनी डिस्कशन पॉइंट्स। इसी तरह पोटेंशियल सब्सिडी सी में देखें, यू नीड टू कवर दीज मैनी पॉइंट्स। जब आप प्लानिंग कर रहे होंगे क्वेश्चन की, तो प्लानिंग में आपने ये साथ साथ लिख लेने, नोट कर लेने कि ये पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा आंसर में। अब देखें, जो मैं आपको हेडरूम वाली बात बताना चाहता हूं, इस क्वेश्चन के एलोकेटेड मार्क्स 24 है। अगर हम इसको काउंट करें, ये जो इसने अवेलेबल मार्क्स बताए हैं, अगर मैं अवेलेबल मार्क्स काउंट करूं, तो ये देखें जी, हम सब टोटल लगा लेते हैं यहां पे, तो 3 to 5 एंड 3 8, 8 मार्क्स है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल। वी हैव 4 मार्क्स हियर, वी हैव 6 मार्क्स हियर, और लीज में हमारे पास है 3 6 एंड 3 9। जी, अब आप जरा इसका टोटल करें जी। जी कितने हो गए जी, 12 18, और 18 और 9 27। तो अवेलेबल मार्क्स को मैक्सिमम मार्क्स से कंपेयर करें, तो 3 मार्क्स का डिफरेंस है, राइट? तो हेडरूम अवेलेबल होता है, और ये नॉर्मली क्वेश्चन वन, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, इसमें कभी ना कभी, नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली, बट किसी क्वेश्चन में ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपने थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ऑल दो मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं है, बट किसी क्वेश्चन में ये ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आपको एक हेडरूम का पता होना चाहिए कि यहाँ पे ज्यादा हेडरूम हो सकता है। चलेंगे, वापस आते हैं स्लाइड पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ड्राफ्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स शुड बी ड्राफ्टेड टुगेदर या साइमल्टेनियसली टू इंक्रीज एफिशिएंसी। रिक्वायरमेंट नंबर शुड बी मेंशन्ड। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन थोड़ा समझें किस तरह से होगा। रिक्वायरमेंट है आपके पास ए, राइट? ए में रोमन वन है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज एंड कैलकुलेशन। रोमन टू है ऑडिट प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू दोज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज। उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, ये रिक्वायरमेंट्स है।
अब जो क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग होगी, आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसमें अपेंडिक्स वन होगा। अपेंडिक्स वन में लेट्स से जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है पहला इश्यू, फॉलोड बाय लीज, फॉलोड बाय वेबसाइट, राइट। इस तरह से आपके पास ये इश्यूज होंगे। अब देखें, क्योंकि आपके पास ए वन सेपरेटली अवेलेबल होगा आंसर करने के लिए, ए टू सेपरेटली अवेलेबल होगा, ठीक। अब ए वन अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करें कि आप पहले जी ए वन यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज और कैलकुलेशन ये कर ले, तो आप कैसे कर रहे होंगे, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ए ए वन में जाके पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर आप लीज लिखेंगे, फिर आप वेबसाइट का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर लिखेंगे, फिर आप आ जाएंगे ए टू पे। अब ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए दोबारा से जाके आपको अपेंडिक्स रेफर करना पड़ेगा, तो एक इनएफिशिएंसी बिल्ट हो जाएगी। आपको यहां पे क्या करना चाहिए कि आप रोमन ए रोमन वन और ए रोमन टू साइमल्टेनियसली अटेम्प्ट करें। आप कैसे करें, अगर तो ये दोनों पार्ट्स आपको एक ही स्क्रीन पे अवेलेबल है तो आप क्या लिखेंगे, आप एक हेडिंग देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ए वन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यू दे और ए टू सब हेडिंग दे और ऑडिट इश्यू दे, ऑडिट इश्यू डिस्कस कर दे। लेकिन अगर आपको ये दोनों सेपरेट स्क्रीन पे अवेलेबल है, सेपरेट जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर में सेपरेट इनके बटन्स हैं, तो आप यहां पे क्लिक करके आए ए वन में पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यू दे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, और उसके साथ ही आप नेक्स्ट क्लिक करके इस पे जाए और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ऑडिट इश्यू भी दे, तो ये आपका ए वन होगा, ये आपका ए टू होगा। अब आपने क्या किया, आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रीड किया जितने अपेंडिक्स में वो डिस्कस्ड है, हो सकता है एक में डिस्कस्ड हो सकता है मल्टीपल अपेंडिक्स में डिस्कस्ड हो, और उसको रीड करने के बाद आपने उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और उसका ऑडिट दोनों मैटर्स एक साथ जो है वो आपने आंसर कर दिए टू मैक्सिमाइज योर एफिशिएंसी। अगर आप इंडिविजुअली ये कर रहे होंगे तो फिर इनएफिशिएंसी बिल्ट होगी और आपका पेपर इनकम्प्लीट रह जाएगा, क्योंकि बार बार आपको जाके वो मैटर रीड करना पड़ रहा होगा। ये बात क्लियर हुई है, अगर ये किसी को क्लियर नहीं हुई तो यू कैन आस्क, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपने इसमें प्रोएक्टिव रहना है अकॉर्डिंग टू सिनेरियो एंड द वे एग्जामिनर हैज ड्राफ्टेड द क्वेश्चन पेपर एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन वन। आपने वहां पे थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स खुद ही सोचना है और पहले से ये स्ट्रेटजी डिफाइन कर लेनी है कि किन रिक्वायरमेंट्स को आप एक साथ अटेम्प्ट करेंगे तो आप मैक्सिमम एफिशिएंसी बिल्ड कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन रिक्वायरमेंट है जिसको आप क्लब कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, वो ये है जो मैंने आपको बताई है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ड्राफ्टिंग, अब हम आ रहे हैं जी इंडिविजुअल ड्राफ्टिंग एरियाज पे, और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज को आप कैसे ड्राफ्ट करें। बेस्ट जो आपके पास एक एक लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यू को ड्राफ्ट करते हुए वो ये है। जी स्टेप वन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लीज, वेबसाइट, हेज, एनीथिंग, उसमें जब आप ड्राफ्ट कर रहे हो तो आपका जो इनिशियल पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें आप बताएं इशू क्या है। आइडेंटिफाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन दिस सिनेरियो। लेट्स से जी क्लाइंट जो है वो क्या कर रहा है, या मैनेजमेंट जो है वो ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रीक्लासिफाई करना चाह रही है ड्यू टू चेंज इन यूज,
ठीक है, तो आपका पहला फर्स्ट पैराग्राफ या आपकी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट यहां से होनी चाहिए कि ये करंट इशू है क्या, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू है क्या। ये डिस्कस करने के बाद वन सेंटेंस टू थ्री जितने भी अकॉर्डिंग टू सिनेरियो सूटेबल हो, उसके बाद आप स्टेप टू में जाएंगे। स्टेप टू क्या है, स्टेप्स लिखने नहीं है या आप लोगों के लिए वहां पे नहीं लिखने की स्टेप वन है टू है थ्री है, वहां पे आप सिर्फ पैराग्राफ्स लिख रहे हैं। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में लिंक करना है इशू विद रेलिवेंट IFRS और IS बाय ब्रीफली राइटिंग द रिक्वायरमेंट्स, यानी चेंज इन क्लासिफिकेशन या चेंज इन यूज बेस्ड ऑन द चेंज इन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन चेंज इन यूज ऑफ इन प्रॉपर्टी। तो आप उससे रिलेटेड फिर IS-40 की रिक्वायरमेंट्स ब्रीफली डिस्कस कर जाएंगे कि IS-40 कब अलाउ करता है कि ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है जी। एंड देन यू विल सजेस्ट द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, करेक्ट रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन अबव डिस्कशन। अब यहां पर करेक्ट सजेस्ट करते हुए यू कैन प्रोवाइड कैलकुलेशन, यू कैन प्रोवाइड जर्नल्स इफ रिक्वायर्ड। सो शो कैलकुलेशन, जर्नल्स इफ रिक्वायर्ड, IFRS, IS कंप्लीट नेम एंड रेफरेंस टू रेलिवेंट पैराज आर नॉट रिक्वायर्ड। सो आप कंप्लीट नेम या रेलिवेंट पैराग्राफ्स के नंबर जो आपको ICAW के एग्जाम में नजर आएंगे वो रेलिवेंट नहीं है। अप्रिशिएट द करेक्ट ट्रीटमेंट बाय क्लाइंट, अगर क्लाइंट ने पार्शल या इंटायर ट्रीटमेंट ठीक की हुई है तो अप्रिशिएट करें। समटाइम्स इन अ गिवन मैटर, फॉर एग्जाम्पल IFRS 2 में वो आपको टू मैटर्स दे देता है, IS-19 में मल्टीपल मैटर्स दे देता है किसी एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू के अंदर, तो उनमें से नॉर्मली ये होता है कि एक मैनेजमेंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ठीक होती है और हमें उसको अप्रिशिएट करना होता है, हमें बताना होता है मैनेजमेंट की इस केस में होती है। विंटर 17 में प्रॉपर्टी का आंसर देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह एग्जामिनर इसको ड्राफ्ट कर रहा है। हम जाएंगे जी बोर्ड फाइल पे, जी विंटर 17 आंसर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। चलें जी, अगर कभी स्क्रीन चेंज ना हो तो प्लीज जरा फौरन बता दें। जी ये देखें जी, बेस्ट फूड कंपनी लिमिटेड रेंटल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू, रेंटल में ऑडिट इशू, ठीक है जी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग इशू एक साथ डिस्कस किया होगा। अब देखें जो मैंने आपको कंटेंट की लॉजिकल सीक्वेंस बताई उसको देखें कि वो आपको यहां पे नजर आ रही होगी। द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू हेयर इज द कंसीडरेशन ऑफ वेदर द रेंटल ऑफ टू फ्लोर्स ऑफ BFC's ऑफिस ऑफिस बिल्डिंग मींस दैट दीज टू फ्लोर्स शुड बी अकाउंटेड फॉर एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रादर देन विद इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट। हमने करंट इश्यू बता दिए, उसके बाद आए एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज वन दैट इज हेल्ड टू अर्न रेंटल फॉर द और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ। द कॉम्प्लिकेशन इज हेयर हेयर इज दैट द BFC इज ओनली रेंटिंग आउट टू फ्लोर्स ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो करंट इश्यू बता दिया विद लिटिल बिट लिंकेज और डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज वेल। अब देखिए नेक्स्ट, लिंकेज विद स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। IS-40 सेज दैट इफ द पोर्शन कुड बी सोल्ड और लीज्ड आउट सेपरेटली अंडर द फाइनेंस लीज दे शुड बी अकाउंटेड फॉर सेपरेटली। इफ दिस इज नॉट द केस
then the portion rented out is not significant, then it should not be separated. Since two floor, अब देखिए हमने standard की requirement बता दी, अब हम चले जाएंगे कि standard की requirement को current scenario के साथ कैसे interact करवा के हमने adjustment suggest करनी. Since two floors should be accounted for separately, the portion relating to two floors should be removed from property, plant and equipment and then transferred to investment properties. As BFC uses the fair value model for both categories of the asset, they should be revalued to fair value at the date of change, and any gains or loss on the revaluation at the day at that date would be accounted for under IS 16. If the floor cannot be sold or leased out separately, then current accounting treatment is correct. ठीक है जी, ये उनकी current accounting treatment question में लिखी होगी. तो आप कह रहे हैं जी अगर ये separate नहीं हो सकते तो फिर ठीक है. और ये बात आप क्या कह रहे हैं, ये आप caveats दे रहे हैं. Reasoned conclusions, यहां पे आपने reasoned conclusion दिया और आपने caveat दे के other way around भी बात कर ली, इसके भी marks है राइट. और अगर अभी आप इसकी सीक्वेंस देखें इस क्वेश्चन की, कि उसने इसमें सीक्वेंस कंटेंट की जो लॉजिकल सीक्वेंस बिल्ड की है वो कैसे की है, वो कंप्लीटनेस भी इंश्योर कर गया है. उसने बताया कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, व्हाट इज द इश्यू, हाउ दिस इज रिलेटेड टू रेलेवेंट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड व्हाट इज द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट. तो आपका आपकी लॉजिकल सीक्वेंस भी ऐसी होनी चाहिए. वापस आते हैं जी. जी नेक्स्ट पॉइंट, वी आर स्टिल इन क्वेश्चन वन, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ड्राफ्टिंग. और ड्राफ्टिंग में अब हम बात कर रहे हैं ऑडिट प्रोसीजर की. हम पावर पॉइंट स्लाइड पे हैं जी. ऑडिट प्रोसीजर्स, to ensure completeness in audit procedures include, अब देखें आपसे examiner require करता है key audit procedure. पहली बात आपने उसे general audit procedure नहीं देना. According to scenario आपने उसको audit procedures draft करके देने, और आपके audit procedures के साथ जो requirement होती है वो होती है enlist की, आउटलाइन की, ठीक है जी, या लिस्ट की होती है, इन लिस्ट, लिस्ट, आउटलाइन. और इसका मतलब होता है सिंगल लाइनर लिखे जी, क्योंकि 0.5 मार्क्स होते हैं नॉर्मली इसके सिंगल ऑडिट प्रोसीजर के. अब वो सिंगल स्टेटमेंट जो है इट शुड बी अ कंप्लीट स्टेटमेंट, उसमें कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए. तो आपके ऑडिट प्रोसीजर में 3 मेन एलिमेंट्स होने चाहिए. फर्स्ट एलिमेंट टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या है, आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप रीपरफॉर्म कर रहे हैं, आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं या आप क्या करेंगे, यानी टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. ऑडिट प्रोसीजर्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस डॉक्यूमेंट पे ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, एसेट, प्रोसेस being inspected or observed, और objective क्या है audit procedures का. procedures का normally ये missing होता है कि ये audit procedure हम perform क्यों कर रहे हैं. अब इसकी example देखें, inspect minutes of meeting, ये आ गया जी आपका type of procedure. minutes of meeting में आपके पास subject matter आ गया, क्या आप कर रहे हैं verify, thank you जी, क्या verify कर रहे हैं जी आप, मिनट्स ऑफ मीटिंग वेरीफाई कर रहे हैं, बोर्ड बोर्ड मिनट्स क्यों कर रहे हैं, टू चेक द स्टेज ऑफ निगोसिएशन विद कस्टमर्स पर्टेनिंग टू आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट. यहां पे कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रही होगी. लेट्स से क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जी ये लोग डैमेजेस की प्रोविजन ही क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बातें हो रही है, या क्लाइंट आपको कह रहा है कि जी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हम कर रहे हैं इतनी अमाउंट की, इसलिए हम लीगल एडवाइजर से कोई ओपिनियन नहीं ले रहे और हम प्रोविजन क्रिएट नहीं कर रहे. तो देखें आपने थ्री इसेंशियल पॉइंट्स बिल्ड किए एक सिंगल ऑडिट प्रोसीजर में,
और ये आपका की ऑडिट प्रोसीजर के साथ साथ एक कंप्लीट ऑडिट प्रोसीजर बन गया। अगर आप इसमें से कोई एक फैक्टर भी, एक एलिमेंट भी मिस करेंगे तो देयर आर चांसेस कि एग्जामिनर आपको इसके मार्क्स ना दे। तो अगर आप जब सॉल्यूशन रीड कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको इसमें से कोई एलिमेंट भी मिसिंग नजर आए, तो आपने ये नहीं सोचना कि एग्जामिनर भी तो लिख रहा है, नहीं, आपने ये थ्री इसेंशियल एलिमेंट्स बिल्ड करने एक इंडिविजुअल ऑडिट प्रोसीजर में, ठीक है। अब जब मैं बात कर रहा हूं की ऑडिट प्रोसीजर्स की, तो ये प्रोसीजर्स आएंगे कहां से? क्या मेरे पास कोई लिस्ट है मैं याद करके चला जाऊं? ठीक है जी, क्या मैं स्टैंडर्ड खोलूंगा, ओपन करूंगा और सारे प्रोसीजर्स वहीं पे होंगे? ये एक ऐसा एरिया है जो स्टूडेंट क्वेश्चंस भी इसके ऊपर करते हैं, सीफैप 6 के स्टूडेंट्स कंसर्न भी होते हैं। कुछ कहते हैं नहीं जी हम तो अपनी प्रैक्टिस से लेके आएंगे, कुछ कहते हैं हम जी अपनी असर्शंस को सामने रखेंगे, कुछ कहते हैं हम सिनेरियो के अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट करेंगे। तो की ऑडिट प्रोसीजर्स आपने जब ड्राफ्ट करना है तो उसका सोर्स क्या है, वो आएंगे कहां से? अगेन आप ये प्रैक्टिस से इसके ऊपर जो मास्टरी है वो अचीव करेंगे, लेकिन उसके लिए जो गाइडेंस है वो देख लें। ऑलवेज ड्राफ्ट अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन इन दिस सिनेरियो। फॉर एग्जांपल, सी इफ एडिशनल प्रोसीजर्स ऑन टॉप ऑफ व्हाट ऑलरेडी हैव बीन अप्लाइड डोंट रिपीट प्रीवियस। जैसे अभी आपने उस आपको क्वेश्चन में उसने बताया हुआ था कि शाहिद चौधरी ने टेस्टिंग की है, आप बताएं एडिशनल प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करेंगे। कोई शाहिद चौधरी वाला प्रोसीजर नहीं वहां पे लिख के आना, वो लिखा 0 मार्क्स, ठीक है। तो प्रोसीजर्स ड्राफ्ट करने के लिए आप मैटर की अकाउंटिंग डेफिनेशन देखें, उसकी रेकग्निशन एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया देखें, ठीक है। हेजिंग से रिलेटेड मैटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, लीज है, तो हर मैटर के साथ कुछ रेकग्निशन मेजरमेंट क्राइटेरियाज होते हैं, प्रोविजंस हैं, सेगमेंट रिपोर्टिंग है, कोई क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट की कैपिटलाइजेशन है, राइट। तो आपको पता है क्राइटेरिया क्या है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली प्रोसीजर्स ड्राफ्ट करें। यानी ये मल्टीपल आप टूल्स यूज कर रहे होंगे जिनको देखते हुए आपने प्रोसीजर्स ड्राफ्ट करने। अच्छा, कोई ऐसा स्नेरियो हो सकता है जो स्पेसिफिक, जिसके अगेंस्ट प्रोसीजर्स हो एज पर आईएसए। जैसे अगर कोई गोइंग कंसर्न का मैटर है, तो आपको पता है कि गोइंग कंसर्न में अगर इवेंट्स और कंडीशंस आइडेंटिफाई हो जाएंगी तो आईएसए 570 में ही प्रोसीजर्स आपके पास अवेलेबल है। अगर मैटर कोई एस्टीमेट्स का है तो बहुत सारी गाइडलाइंस आपके पास 540 में अवेलेबल है। आप स्टैंडर्ड से भी हेल्प ले सकते हैं, बट स्टैंडर्ड से हेल्प लेने का मतलब ये नहीं है कि वहां स्टैंडर्ड ओपन करके बैठ जाए। आपने रिवाइज किया होगा, कोई कुछ थोड़ा बहुत अगर रेफर करना जरूर करें, लेकिन वहां पे बैठ के रीड नहीं करना फ्रॉम स्क्रैच, ये काम प्रैक्टिस में करके जाना। सिमिलर प्रोसीजर्स, हो सकता है कि आपने जो माशाल्लाह क्वेश्चंस किए एटलीस्ट ICAW और CA मिला के 30, 35 या 40 क्वेश्चंस आपने किए मिनिमम, तो उन 40 क्वेश्चंस में बहुत सारे प्रोसीजर्स रिपीट भी हो रहे होंगे। बाय कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ सिनेरियो, आप उस तरह के सिमिलर प्रोसीजर्स लिख सकते हैं, इनमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। जैसे कैपिटलाइजेशन के मैटर हो गए, हेजिंग हो गई, आपका गुडविल हो गया, गुडविल की कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर वेरिफिकेशन है, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है जी। वी आर स्टिल इन क्वेश्चन वन एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ड्राफ्टिंग विद रिस्पेक्ट टू कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल इश्यूज, ठीक है जी। इश्यूज एंड थ्रेट्स मे बी प्रोवाइडेड इन एन एनेक्सर और स्प्रेड इन एंटायर क्वेश्चन। जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था, उसमें ये स्प्रेड थे, किसी एक अपेंडिक्स में नहीं थे, लेकिन ये किसी एक अपेंडिक्स में भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं, वो कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन हो जाता है। एसिमिलिएशन विल बी रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई द थ्रेट, नॉर्मली डिस्कशन इज रिक्वायर्ड इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सीफैप 6 पे
You just have to identify ethical issue. Here you need to discuss ethical issue. तो एक थोड़ा सा वन स्टेप फर्दर आपको डिस्कशन करनी होगी कि ये एथिकल इशू है एंड हाउ इट इज इंपैक्टिंग योर ऑडिट और योर रिलेशन विद द क्लाइंट, ठीक है, और योर इंडिपेंडेंस. तो आपने इसकी थोड़ी सी डिस्कशन करनी होगी. केयरफुल अबाउट द एथिकल कंसर्न्स फॉर टीम मेंबर्स एंड फर्म. आपसे रिक्वायरमेंट में वो कभी कहते हैं जी एथिकल इश्यूज बताएं फेस्ड बाय फर्म, फेस्ड बाय टीम मेंबर. फिर वो कहते हैं एक्शंस बताएं फर्म शुड टेक, इंडिविजुअल शुड टेक. इसमें भी अलर्ट रहना है. फर्म के एक्शंस डिफरेंट होते हैं, इंडिविजुअल के एक्शंस डिफरेंट होते हैं. अगर इंडिविजुअल किसी एथिकल डायलेमा में फंस जाता है, उसको कोई एथिकल कंसर्न नजर आता है, तो उसने क्या करना होता है, इमीडिएटली रिपोर्ट करना होता है फर्म को, ठीक है. लेकिन फर्म लेवल पे फिर आपको पता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट और फर्दर एक्शंस आ जाते हैं कि उस इंडिविजुअल को कैसे हमने रोटेट करना है, उसका रिव्यू करवाना है, क्या करना है, ठीक है. एक्शंस शुड बी रेलेवेंट एंड प्रेजेंटेड विद क्लैरिटी वेदर द एक्शन फॉर टीम मेंबर और फर्म आर रिक्वायर्ड. ये मैंने आपको बता दिया पॉइंट जी. क्वेश्चन वन के हवाले से किसी की कोई क्वेरी, अदरवाइज मैं क्वेश्चन टू और थ्री की तरफ मूव करता हूं कि आपने इन क्वेश्चंस में किन बातों का ख्याल रखना. जी लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर टू और देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर टू में क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं. जी जी क्वेश्चन नंबर टू अगेन योर रोल एज अकाउंटेंट फाइनेंशियल कंट्रोलर. अब जो क्वेश्चन वन में हमने बातें डिस्कस कर ली है, पॉइंट्स डिस्कस कर ली है, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा. ये ओवर एंड अबव और एडिशनल मैटर्स होंगे जो अभी तक मैं क्वेश्चन वन की डिस्कशन कर रहा था. दोज आर रेलेवेंट टू क्वेश्चन टू एंड क्वेश्चन थ्री एज वेल. अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर आप कोई देख रहे हैं एज CFO, एज फाइनेंशियल कंट्रोलर, तो वो क्वेश्चन टू और थ्री में भी, क्वेश्चन टू में भी वैसे ही रेलिवेंट है. और अगर क्वेश्चन थ्री में आप एज एन ऑडिट सीनियर कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर देख रहे हैं, तो उस पर भी एज इट इज वो गाइडलाइंस एप्लीकेबल है. जी योर रोल एज अकाउंटेंट फाइनेंशियल कंट्रोलर न्यूली अपॉइंटेड इन एनी रोल, तो ये आपका आ जाएगा जी इशू विथ नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सम वर्क परफॉर्म बाय प्रेडिसेसर, जो आपका प्रेडिसेसर होगा. इसमें जी अगेन ईयर एंड वुड बी इंपॉर्टेंट और इसको आप सब्सिडी के साथ कंपेयर कर लेंगे. आप क्वेश्चन में देखेंगे अपेंडिसेस कितने हैं और उन अपेंडिसेस से रिलेटेड लिंकेज एंड असिमिलिएशन नीड्स जो है वो क्या है व्हाइल प्लानिंग दी आंसर ऑफ क्वेश्चन. वर्क ऑफ पार्टली क्वालिफाइड एम्प्लॉय रिक्वायर टू बी इवेल्युएटेड. क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि आप जो है वो फाइनेंस कंट्रोलर है, आपके नीचे अकाउंटेंट है एंड ही इज पार्टली क्वालिफाइड, तो उसकी कॉम्पिटेंस के साथ इश्यूज होंगे. रिक्वायरमेंट आर लेस कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर वन. तो इसमें आप देख लीजिएगा रिक्वायरमेंट्स को, जब आप क्वेश्चन नंबर वन की समरीज प्रिपेयर कर रहे हैं ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस, तो क्वेश्चन नंबर टू की जो समरीज है वो आपको एग्जाम इन्वायरमेंट में हो सकता है रिक्वायर्ड ना हो, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान कुछ क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट की समरी ड्राफ्ट कर लीजिएगा. सेम टेक्निक्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर रोल, ये जहन में रखना है. आंसर ड्राफ्ट करते हुए ऑडिटर नहीं बन जाना क्वेश्चन टू में, क्वेश्चन टू का आंसर करते हुए फाइनेंशियल कंट्रोलर या जो भी आपका रोल. CFAP लेवल वन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी आस्क्ड. तो यहां पे आपसे जो प्रिपरेशन है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की करवाई जा सकती है. इसके अलावा आपसे कैलकुलेशंस भी करवाई जा सकती है इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स की, जैसे आपके एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं,
इसकी लीज की कैलकुलेशन, आपकी जो डिसमेंटलिंग से रिलेटेड प्रोविजन की कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, वो करवाई जा सकती हैं, रेवेन्यू की कैलकुलेशन कराई जा सकती है. सो कैलकुलेशन के लिए आपने अलर्ट रहना. एथिक्स पार्ट टू ऑफ योर कोड ऑफ एथिक्स जो आपने सीफेप वन में रिवाइज किया होगा, तो एथिकल कंसर्न्स को डिस्कस करते हुए अगेन पार्ट टू पे फोकस करना है और उनकी ड्राफ्टिंग ऐसे करनी है, ड्राफ्टिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर रोल. यहां पे ऑडिटर वाली ग्लासेस आपने उतार देंगी. जी क्वेश्चन थ्री में आ जाएं. जी क्वेश्चन थ्री देखें जी, आपका रोल चेंज हो जाएगा, ऑडिट मैनेजर और ऑडिटर, मोर कॉम्प्लेक्स ऑडिट मैटर्स रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट. यहां पे मैटर्स जो हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे जो आपके ऑडिट मैटर्स हैं, ठीक है. ऑडिट मैटर्स आपके क्वेश्चन नंबर वन में भी इंक्लूडेड थे, लेकिन यहां पे जरा ऑडिट ओरिएंटेड मैटर्स जो हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे. मे बी वो आपको यहाँ पे आईएसए 600 में टेस्ट कर रहा हो, आपको वो कह रहा हो कि योर ग्रुप ऑडिटर, आपको इंस्ट्रक्शन इशू कर रहे हैं कंपोनेंट ऑडिटर को और उन इंस्ट्रक्शन का रिस्पॉन्स ये आ रहा है, तो इस हवाले से आप क्या देख क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी, या वो आपको इस तरह का कुछ सिनेरियो बना देता है. फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी ये ग्रुप है, ये सब्सिडरी है ग्रुप के अंदर इंक्लूडिंग पेरेंट, ठीक है, आप यहाँ पे हैं, ओके, और ग्रुप ऑडिटर जो है यहाँ पे आप हैं जी, ऑडिटर आप यहाँ पे हैं, ग्रुप ऑडिटर आपको इंस्ट्रक्शन इशू करता है और वो कहता है जी ग्रुप लेवल पे जो मटेरियलिटी है वो 30 मिलियन है, कंपोनेंट लेवल पे जो आपने मटेरियलिटी कैलकुलेट की है कंपोनेंट लेवल पे वो 10 मिलियन है. ग्रुप आपको कहता है कि जी आप ऐसा करें, आप इस मटेरियलिटी लेवल को यूज करें क्योंकि ये जो सब्सिडरी है ये हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, बस हमने इसको ग्रुप में इंक्लूड करना है, डोंट यूज दिस मटेरियलिटी लेवल विच इज 10 मिलियन. और 10 मिलियन मटेरियलिटी लेवल का मतलब है ऑडिट प्रोसीजर या एक्सटेंट ऑफ एफर्ट वुड बी मोर एज कंपेयर टू मटेरियलिटी लेवल ऑफ 30 मिलियन. तो ग्रुप ऑडिटर आपको इंस्ट्रक्शन इशू करता है कि आप फॉलो करें 30 मिलियन मटेरियलिटी लेवल. अब ये इसकी डिस्कशन करके एग्जामिनर एक कंप्लीट सिनेरियो जो है वो बना देगा और उससे उसमें आपकी फिर ओपिनियन रिक्वायर करेगा. अब ये प्योरली जो है ये मैटर है आईएसए 600 का, इट्स अ टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स मैटर, तो फिर आप इसको डिस्कस कर रहे होंगे कि जी अब आप ये डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में आप देखेंगे कि क्या आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं सब्सिडरी के, या ये ऐसी सब्सिडरी है जिसका स्टैट्यूटरी ऑडिट रिक्वायर नहीं है, या आप स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है बल्कि आप सिर्फ ग्रुप परस्पेक्टिव में ऑडिट करने आए हैं फॉर द पर्पज ऑफ ग्रुप ऑडिट. अगर तो आप सिर्फ ग्रुप के लिए ऑडिट कर रहे हैं तो यस यू कैन एक्सेप्ट दिस, लेकिन अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, ठीक है, और आपने इसके ऊपर ओपिनियन देनी है, टू इशू ओपिनियन यू नीड सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बेस्ड ऑन मटीरियलिटी लेवल ऑफ कंपोनेंट, तो आप फिर कहेंगे नो वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर इंस्ट्रक्शंस, वी नीड टू इशू सेपरेट ओपिनियन, इसीलिए हम 10 मिलियन की मटेरियलिटी को ही फॉलो करेंगे. इस तरह के कॉम्प्लेक्स मैटर्स जो है वो इसमें बिल्ड कर सकता है, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड मैटर्स बिल्ड कर सकता है इस क्वेश्चन में, ठीक है जी. तो इनके लिए आपने थोड़ा सा तैयार है ना, या फिर वो ये कर सकता है कि आपको कहे कि जी आपने बहुत सारे डिस्कशन के साथ आपको कहे जी आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर लिया, क्योंकि आपको पता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है वो बिफोर ईयर एंड भी परफॉर्म हो सकता है एज एन इंटरिम ऑडिट प्रोसीजर. तो आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया से April 1st को, और उसके बाद कंपनी जो है एक्वायर्ड हो गई, क्लाइंट एक्वायर्ड हो गया, और यहां से ऑनवर्ड एक्सपोर्ट सेल स्टार्ट हो गई. जो पेरेंट था उसने कहा कि जी अब आप एक्सपोर्ट सेल करें, आप लोकल सेल बंद कर दें. जो आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया होगा वो तो लोकल सेल से रिलेटेड होगा,
अगर लोकल सेल कंटिन्यू रही भी है तो यू नीड टू अपडेट योर टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो इस तरह की डिस्कशन जो है वो एग्जामिनर आपसे यहां करवा रहा होगा। मोर फोकस शुड बी ऑन प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव एंड एनालिटिकल। यहां पे क्वेश्चन थ्री में उसका फोकस होता है। एथिकल्स आर यूजुअली इंक्लूडेड। जो आपके एथिकल्स की ग्रेड होगी वो क्वेश्चन वन और क्वेश्चन थ्री से ही नॉर्मली वो पूरी करता है। कभी कभी क्वेश्चन टू में एथिक्स भी एग्जामिनर आपसे रिक्वायर कर सकते। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज माइट बी इंक्लूडेड। आपको ऐसे क्वेश्चन नजर आएंगे यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज भी होंगे, तो इसके हवाले से आप गाइडलाइंस वही फॉलो कर सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज वाली जो हमने अभी डिस्कस भी की है। राइट, आएंगे जी जरा हम अपनी बोर्ड फाइल पे और हम देखेंगे कि हम ऑडिट इश्यूज को कैसे ड्राफ्ट करेंगे और ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे हम लिख रहे होंगे। जी बोर्ड फाइल मैंने शेयर कर दी है। जी ऑडिट इश्यूज में देखें जी, उसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। रिपोर्टिंग इशू रेंटल, नाउ ऑडिट इशू। शाहिद हैज नॉट आइडेंटिफाइड द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशूज एंड हैज नॉट ऑब्टेन एविडेंस दैट विल हेल्प टू एस्टैब्लिश इफ टू फ्लोर्स कुड बी सोल्ड सेपरेटली और लीज्ड आउट अंडर फाइनेंस लीज। द रेफरेंस इन द बोर्ड मिनट्स टू सेपरेट एंट्रेंस वुड सजेस्ट दिस कुड बी द केस बट फर्दर कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो आपको कुछ डिस्कस करने के लिए, कुछ एनालिसिस करने के लिए। अच्छा ये बोर्ड फाइल शेयर नहीं हुई जी आपके साथ, मुझे विजिबल आ रही है जी, चलें शायद थोड़ा टाइम लग रहा हो। अच्छा ना चले आ गई, ठीक है जी। फर्दर कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड, फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर कंफर्मेशन, आपने ये सेंटेंस जरूर ऐड करना। एडिशनली शायद हैज नॉट ऑब्टेन एनी एविडेंस ओवर द कैरिंग वैल्यू ऑफ रेलिवेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑफिस ब्लॉक टू एस्टैब्लिश इफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड आर मटीरियल। शायद टेस्टिंग ओवर रेंटल इनकम इज सफिशियंट। अप्रिशिएट कर रहे हैं आप जो बात ठीक है, जो अप्रोप्रिएट मैटर्स हैं चाहे क्लाइंट के या चाहे आपके, उनको जरूर अप्रिशिएट करना। अब देखें एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हैं। एस्टैब्लिश द कैरिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, एस्टैब्लिश कैरिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टू एस्टैब्लिश इफ टू फ्लोर्स ऑफ द प्रॉपर्टी वुड बी मटीरियल अमाउंट। डिस्कस चेंजेस इन यूज विद डायरेक्टर्स टू एस्टैब्लिश इफ टू फ्लोर्स केपेबल ऑफ बीइंग लीज्ड आउट सेपरेटली। अब देखें इसमें तीन मैटर्स जो मैं आपको बता रहा था कि टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर यू नीड टू एम्बेड थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन वन ऑडिट प्रोसीजर। तो वो थ्री ऑडिट पॉइंट्स देखें जी, और थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें जी। डिस्कस आ गया टाइप ऑफ प्रोसीजर, किसके साथ डिस्कस करना, सब्जेक्ट मैटर क्या है डायरेक्टर्स, ऑब्जेक्टिव क्या है, एस्टैब्लिश क्या एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि क्या ये फ्लोर्स सेपरेटली जो है वो लीज या सेल हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्टेन एविडेंस टू सपोर्ट द डायरेक्टर रिव्यूज इफ री क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, एस्टैब्लिश द डेट ऑफ री क्लासिफिकेशन एंड इंश्योर दैट प्रॉपर अकाउंटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ री क्लासिफिकेशन। जी क्विकली क्या है, जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट पेपर नहीं देखा, आई एम श्योर सब लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन एज अ रिफ्रेशर मैं इसको जूम इन नहीं कर रहा जी। ये देखें जी आपका पेपर जो है वो टोटल 15 पेजेस का है। राइट, क्वेश्चन वन 50 मार्क्स, ये समर 22 की अटेम्प्ट है, विद फोर मेन रिक्वायरमेंट्स एंड एट लीस्ट 7 to 8 टोटल रिक्वायरमेंट्स जो इसके अंदर सब रिक्वायरमेंट्स अगर मैं कंसीडर कर लूं, ठीक है। तो आपने जब प्लानिंग करनी है तो आपने सब रिक्वायरमेंट्स को अलग करते जाना है और उसके बाद
इन सब रिक्वायरमेंट्स को सेपरेट करने के साथ साथ हर सब रिक्वायरमेंट में जो मैटर आप डिस्कस करेंगे वो इनलिस्ट करते जाना। जी अपेंडिक्स वन, अपेंडिक्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपेंडिक्स थ्री मिनट्स ऑफ मीटिंग, अपेंडिक्स फोर ईमेल फ्रॉम उस्मान अहमद, अपेंडिक्स फाइव नोट्स फ्रॉम फोन कन्वर्सेशन। इसी तरह जी क्वेश्चन टू में आ जाए 25 मार्क्स। आपका क्वेश्चन वन पेज वन से स्टार्ट हुआ एंड इट्स एंडेड ऑन पेज सिक्स, तो आप 6, 7, 8 पेजेस पे आपका ये क्वेश्चन वन होगा। क्वेश्चन टू देख लें जी, यू हैव अपेंडिक्स वन, अपेंडिक्स टू, अपेंडिक्स थ्री और ये आपका एंड हो गया पेज नंबर 10 पे, सॉरी अपेंडिक्स फोर 11 पे एंड हो गया। अच्छा स्टिल है जी, जी 12 पे एंड हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री आ गया, वी हैव थ्री मेन रिक्वायरमेंट एंड इन सी वी हैव टू सब रिक्वायरमेंट्स, 25 मार्क्स एंड यू हैव अपेंडिक्स वन अपेंडिक्स टू। तो इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, इन टर्म्स ऑफ कह लेंगे डिटेल इंफॉर्मेशन या वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन थ्री में सबसे कम वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर क्वेश्चन वन के बाद आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, यानी क्वेश्चन वन के बाद जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इट्स बेटर दैट यू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन कम है तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि थोड़ा इजी क्वेश्चन होगा एज कंपेयर टू क्वेश्चन टू। मार्क्स सेम है राइट? चलें जी, सो दिस वॉज योर सेशन, ऑल मटीरियल विल बी अवेलेबल ऑन द गिवन लिंक और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और मैंने काफी कोशिश की, आई होप के आप कुछ इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हुई होगी। इन गाइडलाइंस को आपने जो है वो फॉलो करना है और इन गाइडलाइंस के साथ आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है और प्रिपरेशन के बाद आपने एग्जाम में विद फुल कॉन्फिडेंस आपने वहां पे बैठना है। ठीक है जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज। Over to you, Muhammad Ali Shah sir, if you are there. Students, we have completed the exam for preliminary session of MSc 1, financial reporting and insurance. The material being used today would be used today. ICAP.CS. So we would like to express our heartfelt gratitude to your unwavering extensive knowledge and tireless educating and guiding. Sir, thank you very much. But as a token of appreciation, we have a certificate and shield for you and will be delivered to you. Our next session on CFAP 6 audit assurance related services will be conducted tomorrow from 6 p.m. to 9 p.m. Till then, take care and Allah.